हीट का उसे बोलते हैं मतलब। मास इफेक्ट मतलब चेंज हाँ मास में, किस किस के मास में चेंज था? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। वेरी गुड, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास था इकट्ठे जोड़ दूं वो ज्यादा निकला किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मास थोड़ा इनसे क्या था, कम था। कम था। तो अब कितना कम था निकालने के लिए, दोनों को माइनस कर दूंगा। किस किन दोनों को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से किसको माइनस कर दूंगा? न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के मास मास को। को। जो आंसर निकला वो मास डिफेक्ट होगा, राइट? यस सर। यहां तक किसी यस को डाउट? भाई मास डिफेक्ट कैसे निकाला? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से न्यूक्लियस का मास मैंने माइनस कर दिया, तो सर मास डिफेक्ट आ गया। ठीक है सर, इसमें से मास डिफेक्ट आ जाता है तो बढ़िया। अच्छा अभी एक बात बताओ, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियर, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियर न्यूट्रॉन, इसको कैसे निकालूंगा सर? प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का मास दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। यस सर। दे रखा है सर, एक प्रोटॉन का मास दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, तो सर अब क्या निकाल नहीं सकता क्या? ध्यान अब इसको याद ही रख लो, एएमयू में बहुत जरूरी है। 1.008 किसका होता है सर? प्रोटॉन का। और 8 की जगह 9 हो जाए तो किसका बन जाएगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का। का। अब न्यूट्रॉन। इसने निकालना है बेरिलियम में, बेरिलियम में इसने ऐसे दे रखा है बेरिलियम 4 9, तो यानी इसके अंदर कितने प्रोटॉन हो गए? 4 फोर। प्रोटॉन। तो सर एक प्रोटॉन का मास दे रखा है क्या 1.008? तो 4 प्रोटॉन के लिए मल्टीप्लाई 4 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई। दूंगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन का मास आ जाएगा। और न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 1.009, तो 5 न्यूट्रॉन, 5 ही न्यूट्रॉन हो गए ना इसके अंदर, तीन यस सर। नौ में से यस चार गया सर। 5, तो सर 5 न्यूट्रॉन का मास 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किसका मास आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे? टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन इसमें से किसको माइनस करूंगा? न्यूक्लियस के मास को। न्यूक्लियस के मास को। न्यूक्लियस का मास तो गिवन ही है सर 9.012। कोई दिक्कत? नो चलो पहले मुझे ये बताओ सर। कि मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या आई है? सिर्फ मैंने एनर्जी नहीं पूछी, मैंने सिर्फ पूछा तुमसे मास डिफेक्ट, फटाफट बताओ। सर 0.065। 65। 0.065। चेक करते हैं बच्चे, है ना? मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल 0.065 सबका ही आया है या किसी का नहीं आया है तो बताओ। सही कोई आया है। ऐसा व्यक्ति जिसका नहीं आया हो? आ गया क्या? हैंड यस रेस करो सर। भाई, मेरे को हैंड रेस तो फोन पे ही दिखेगा। वेरी गुड, दो बंदे आए हैं, तीन चार, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो हैंड रेस कर, हैंड लोअर कर लो भाई सर। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास आ गया डेल्टा एम, इसका क्या निकालना है तुमने? बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे सर? इसको किससे मल्टीप्लाई करके? 3 × 10 रेज थ्री टू पावर 8 स्क्वायर स्क्वायर करके। माइनस भी कर दिया ना तुमने न्यूक्लियस का मास, सब कुछ करके आंसर आया 0.065 शायद, राइट? यस सर। यस सर अब सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 0.065 को, बताना आप, तुम बताओगे। थ्री स्क्वायर से। ऑप्शन देख के बताना, लेकिन ऑप्शन देख। सी स्क्वायर से करोगे या नहीं करोगे? यस सर। लेकिन यस बेटे सर। जो वो आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा क्या? यस सर। कुछ एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है क्या? कैसे पता? नहीं पता तो सर इसके लिए एक रिलेशन होता है, मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना जिसने नहीं देखा होगा। सर यहां पर मास किसमें मेजर कर रखा है? देखो एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू में। तो सर एक एएमयू, एमसी स्क्वायर क्या होगा? मास को किराए एएमयू में, और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर ही लिख देता हूं मैं। तो सर 1 AMU c² जो होता है हमारे पास 9, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। कितना?
इसकी वैल्यू होती है 931.5, तो 931 भी लिख देते हैं, तो कई बार गिवन 931 भी होता है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी ही नहीं पड़ेगी। सर सर 1 AMU सी स्क्वायर किसके इक्वल है 931.5। तो सर तुमने अभी निकाला है, तुम्हारा जो मास आया टोटल ये है ना 0.065, ये भी तो AMU है। एनर्जी निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सी स्क्वायर से। yes, तो सर अगर 1 AMU इसके इक्वल है तो इतने AMU सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 931.5। करो फटाफट करो, क्या आंसर आया मुझे बताओ। मैंने निकाला है अभी, फटाफट बताओ, देखते हैं सबका सेम आया नहीं आया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैंने क्यों करा 931.5 से, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब याद रख लो MC स्क्वायर को जब तुमने कन्वर्ट करना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, तो सिंपल डेल्टा एम की वैल्यू रखो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गई। 931 से ही मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है, इतनी इतनी देर नहीं, इतनी इतनी देर नहीं, फटाफट करना। ऑप्शन से मैच मत करने लग जाना, ऑप्शन से मैच नहीं होगा। आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। ऑप्शन से मैच अगर करवाना है तो उस आंसर को तुम्हें 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन पूछी है, तो इसे अभी ऑप्शन से मत मैच कर। हाँ, 60.53। वेरी गुड, 60.5 आ रहा है सबका अप्रोक्सीमेटली। yes, तो सर ये तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन इसने पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन, और टोटल न्यूक्लियोन देखो, यानी ए की वैल्यू कितनी है बेरिलियम के लिए, देखो बेरिलियम के लिए ए कितना है, 9। तो किससे डिवाइड कर दोगे पर न्यूक्लियोन के लिए, कर दो 9 से डिवाइड। आंसर बताओ क्या आ रहा है, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आ रहा है क्या सबका, जिसको समझ नहीं आ रहा है, उसने हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से न्यूक्लियस का माइनस किया, उससे हमारा वैल्यू आई थी 0.065। इसको कन्वर्ट, इसको बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 931 से, अभी तुम्हारा आंसर आया कुछ कितना आया 60.5, राइट। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन इसने बाइंडिंग एनर्जी तो पूछी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछिए, तो मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ गया 6.7। डन। हाँ जतिन, ठीक है, सबका सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मैंने हर एक स्टेप बता दिया तुमको, ये ऐसे ही करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है बिल्कुल, देख लिया होगा तुमने। yes, है ना? हाँ, तो क्या करना है बाइंडिंग, अब तुम डेल्टा एम में किसी को दिक्कत, डेल्टा एम कैसे निकालोगे, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन के मास में से न्यूक्लियस का मास माइनस माइनस कर दोगे, ये आ गई डेल्टा एम की वैल्यू। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 931.5 आ गई बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, बाइंडिंग एनर्जी पूछी तो आंसर आ गया, लेकिन अगर पर न्यूक्लियन पूछी है तो टोटल न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, यानी यहां पर थे 9। चलें आगे। yes, ये क्वेश्चन देखो, देखो आंसर पीछे वाले का ही आया है 6.7, इसका आंसर अगले वाले पेज पे दिखेगा। If the mass of lithium is 7.016353 AMU, find out the binding energy per lithium. ये तो और भी आसान, लेकिन अब क्या देखोगे सर, वही सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे भी, इसलिए मैंने बोला उसको लर्न ही कर लो। तो प्रोटॉन का याद रखना 1.008 AMU और न्यूट्रॉन का 1.009 AMU, बहुत ज्यादा नहीं है फर्क, ठीक है, कोई दिक्कत,
अब कर सकते हो इसको सोल्व, जो बच्चा फटाफट सोल्व कर सकता कर दे, सेम टू सेम पिछले वाली अप्रोच लगेगी, बिल्कुल पीछे वाला निकालो इसका आंसर। शिवानी ने निकाला है अभी अभी, इसका आंसर बताया शिवानी आपको, ये पिछले वाले का, पिछले वाले का आई थिंक। चलो चेक करो फटाफट। ओके चेक करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ, सबसे पहले बोलते जाओ साथ साथ। स्टेप वन क्या है, क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एम। वेरी गुड, डेल्टा एम निकाल दूंगा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालना है, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर पर न्यूक्लियन है तो फिर इन सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन करो। सर फर्स्ट वाला आ रहा है, फर्स्ट वाला चेक करते हैं बच्चे, बाकी सबका चेक करें इसका आंसर। 5.6 आ रहा है बच्चे इसका, ठीक है फर्स्ट वाला ही है। जिसका फर्स्ट नहीं आ रहा वो बता दीजिए, बाकी सब आगे चलें, बता देना दो एक मिनट है उसके बाद हम आगे चलेंगे। भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? सेवन है, सबको समझ में आती है ना? ये ऊपर वाला होता है ए की वैल्यू, नीचे वाली किसकी होती है? जेड की, यानी ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। मास नंबर इसका मतलब ही यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो लास्ट में किससे डिवाइड करना पड़ेगा आंसर को? सेवन से। और डेल्टा एम कैसे निकालूंगा सर? नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें से किसको माइनस कर दूंगा? मास ऑफ न्यूक्लियस को। और मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालूंगा सर? एक प्रोटॉन का मास होता है 1.008 amu, लेकिन इसमें कितने प्रोटॉन है? 3, तो 3 इंटू ये तो हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास है 1.009 amu, यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है? 4। कैसे पता चला? 7 में से 3 तो 7-3। तो ये ऐसे हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन ही है बच्चे 7.01653। ये आ जाएगा डेल्टा एम, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, डिवाइड कर दो इससे, आंसर खत्म। कोई दिक्कत? नो सर। चलें आगे। यस। अब ये क्वेश्चन है देखो, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रही है। देखो ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा नहीं, पर पढ़ लो ये एज एन होमवर्क लो, क्योंकि ये प्योर जेई का था, कभी कभी अब नहीं किसी टाइम ये जेई में आया था एडवांस लेवल पर, लेकिन अब तो ये बहुत शॉर्ट लेवल की होगी ये बात इसकी। ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करना, क्योंकि मैंने जेई वालों को थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, उनको भी एज एन होमवर्क दिया था, ट्राई करना। क्वेश्चन देख लिया सबने? यस सर। इसमें कुछ नहीं करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हें दे रखी है, लेकिन तुमने एनर्जी रिलीज पूछी है। क्या पूछी है? एनर्जी रिलीज। तो टोटल एनर्जी पहले रिएक्टेंट की देखोगे, फिर टोटल एनर्जी किसकी देखोगे? प्रोडक्ट की, फिर उनको माइनस कर दोगे, लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं देखोगे, ठीक है? टोटल एनर्जी देखनी है ना, ध्यान रखना इस बात। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, स्क्रीन शॉट ले लो, एज एन होमवर्क है, देख लोगे आते ही करेंगे, देख लो जिसको डाउट। इसमें क्या आया क्वेश्चन में मैंने बता दिया, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, यानी यहाँ पर अगर क्यू कुछ एनर्जी निकली है तो इस एनर्जी की वैल्यू निकाल, ठीक है? और बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है सर इसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इसकी भी और इसकी भी, यही बात मुझे इसकी भी दे रखी है। चले yes, sir. इसका आंसर 24.3 है वैसे, अगर किसी ने सोल्व करना कर लिया हो या कर सके हो, इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, बड़ी टिक नहीं करते सर्कल, ताकि याद रह जाए ये डिस्कस, ठीक है?
अब बात आती है फ्यूजन एंड फिजन. हमको पता तो लगा सर बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कब से हमें पता लगा ना फ्यूजन क्यों होता है और फिशन क्यों होता है, पता लगा सबको? यस सर. अब उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं सर. फ्यूजन में फिशन में क्या हुआ था सर, टूटा था या जुड़ा था? फिशन में सर टूटा था. बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन फ्यूजन की है और कौन सी फिशन की है? ये फिशन की है एंड ये किसकी है? फ्यूजन की. फ्यूजन की है सर, क्योंकि इसमें एक हैवी टूट रहा है. किसमें? दो लोमर है ना, इसमें एक दो लोअर जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक हैवी है ना. तो सर ये बेरियम है, ये क्रिप्टोन है. क्यों क्यों ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि इस बाइंडिंग एनर्जी इनकी बढ़ रही है ना, इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, गेन हो जाए, बढ़ जाए. तो देखो यहाँ पर मास नंबर का खेल होता है. यहाँ पर यूरेनियम किसमें गया? ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ फिशन का. फ्यूजन का समझ तो चुके हैं हम फिशन और फिशन क्या होता है ना. यस सर. सिर्फ एग्जांपल है सर. यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टोन में टूटा और साथ में कितने न्यूट्रॉन निकले? 3 न्यूट्रॉन निकले और इतनी टाइप की इतनी एनर्जी निकली. अब बताओ मुझे अगर ये चीज गायब कर दे तुम बता नहीं सकते यहाँ पर क्या आएगा? सपोज करो क्यों, ये कितना है 235 है ना. यूरेनियम के साथ कौन टकराया? एक न्यूट्रॉन टकराया तभी टूटा. ये यूरेनियम के साथ क्या टकराया? एक न्यूट्रॉन टकराया तब ये टूट गया. अब मेरी बात सुनना, 235 ए कैलकुलेट करें, टोटल ए. यहाँ पर टोटल ए की वैल्यू बताना कितनी है? ए समझते हो ना जो ऊपर वाला होता है 235 तो इसकी होगी और इसका कितना है? 1. तो टोटल कितना हो गया? 236 हो गए ना. समझ में आ रहा है? टोटल मास नंबर 236. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो 144 है सर. साथ में कौन है? 89. साथ में 1. चलो करते हैं. 9 और 4 13 और 1 14 4 और 1 5 और 8 13. चलिए तो 234 बने सर. ऐसे कैसे? यस सर. ऐसे कैसे सर? क्योंकि कुछ एनर्जी में हो गए, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो. अभी किसी बच्चे ने ना थोड़ा सा मिस्टेक करके बोला, अभी बताता हूँ. अभी बताता हूँ अंशुल, अभी बताता हूँ क्या बात हो रही है. पहले ये वाला कर लेते हैं. 236 सर, ये 236 है. देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन निकल रहे थे? तीन. एक के अंदर मास नंबर, एक के अंदर एक न्यूक्लियन था, तो तीन के अंदर कितने होंगे? तीन. तुमने कितने लिखे सिर्फ? One. दो और ऐड होएगा क्या? नहीं होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 234 plus 2 क्या हो जाएगा? 236. तो मास नंबर यहाँ पर बढ़ रहे, मास कंजर्व नहीं रहेगा, मास नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व रहेंगे. याद रखना इस बात को, कंजर्वेशन ऑफ मास कभी भी एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि मास किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी. एनर्जी में. लेकिन मास नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्वड है. समझ में आ रही है ये दोनों बातों में फर्क? यस सर. जब हम 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल ही आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि वहां पर मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में. आज तुम देख भी रहे हो वो चीज, देख रहे हो? Yes, yes, तो यहाँ पर मास नंबर कंजर्व्ड है यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व्ड. अच्छा इसमें भी करके देख लो, 3 और 2 5, 4 और 1 5 है. हाँ तो अब बताओ क्या बोल रहे थे अंशुल सर? इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में अगर फोटोन का मास ले तो भी जीरो होता है, तो ये सारी इक्वेशन जीरो नहीं हो जाएंगी फोटोन का. बच्चे वही बात है ना, जब मास भी यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा, मास के अंदर भी एक रिलेशन होता है सर. फोटोन का जो होता है ना रेस्ट मास जीरो होता है. यस सर. मूविंग मास जीरो नहीं होता. तो ये सारी इक्वेशन ऐसे जीरो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी रिलेटिविटी इक्वेशन जनरली तभी लगती है जब कोई पार्टिकल कैसा दौड़ रहा हो स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरिजन में. इक्वल भी नहीं कह रहा, कंपेरिजन में.
मतलब इसका 1.1%, इसका 0.2% स्पीड ऑफ लाइट का 0.3%, क्योंकि अभी तक जो मानते थे हम, अभी तो रिसर्चेस चलती रहती हैं, है ना, जो हम नॉर्मली मानते थे वो यही मानते थे कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो सकती है, सी, इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट स्पीड किसी की नहीं मानेगी। तो ये जो तुम बोल रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर मूविंग मास की बात हो जाएगी, फिर एक और इक्वेशन लग जाती है मास सेम टू सेम रिलेटिविटी के अंदर, ये पढ़ी होगी सब। देखिए सबने, तो बच्चे यहाँ पर जे वाला मास देखते हैं, फिर पूरा वो पूरी चीजें चेंज हो जाती है, समझ में आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पर फोटोन के लिए क्यों देखेंगे हम, अगर E is equal to MC square में अगर फोटोन का मास ले तो जीरो होता है, तो ये सारी इक्वेशन जीरो नहीं हो जाएंगी। कौन सी सारी इक्वेशन बच्चे? E is equal to MC square, तो जब रेस्ट मास ऑफ फोटोन ही जीरो है तो वो C square भी जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो E तो जीरो के बराबर आ जाएगा। हाँ तो कौन सी, किस, आप निकालना क्या चाहते हैं सर? जैसे E is equal to MC square है तो वो इक्वेशन E तो जीरो के बराबर आ जाएगा, तो फिर कैसे एनर्जी, किसकी एनर्जी सर? जो इक्वेशन नहीं है आइंस्टीन की, E is equal to MC square। हाँ, E is equal to MC square है, लेकिन इससे आप कौन सी, किस चीज की एनर्जी, मेरी एनर्जी निकाल रहे हैं, अपनी एनर्जी निकाल रहे हैं, आप फोटोन की एनर्जी निकाल रहे हैं, राइट, ऐसे बोल रहे जा रहे हैं। तो आपने फोटोन का मास रख दिया जीरो, जीरो, तो बिल्कुल सही। लेकिन मैंने अभी बात की, यहाँ पर जो हम बात करते हैं फोटोन जब हिट, फोटोन का मास एनर्जी कब निकाल रहे हो, जब फोटोन मूव कर रहा है, तो फोटोन का मूविंग मास क्या जीरो होगा? नो सर। तो यहाँ पर फिर नहीं लिख सकते जीरो, समझ में आ रही है ये बात? यस सर। हाँ तो ये ऐसे चलेगा, तो ये मूविंग मास की बात हो जाएगी। आगे बढ़ जाए अंशुल, बताओ अभी कोई डाउट है तो। नो सर, क्लियर। ओके, तो वैसे भी हम फोटोन की जब एनर्जी निकालते हैं, है ना, ये तो सिंपल हम पार्टिकल बेसिस पे करते हैं, जब भी करते हैं, जो फोटोन की एनर्जी निकालते हैं वो किससे पता चलती है हमें? फ्रीक्वेंसी से। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, जब आपको ड्यूअल नेचर पढ़ाया जाएगा ना बच्चे, इसके बाद वाला चैप्टर, उसमें तुम पढ़ोगे कि फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, h इनटू म्यू के इक्वल है, क्योंकि फोटोन कैसा है वो भी बात करते हैं, उसके बाद डी ब्रोए वेवलेंथ आती है। तो ये एक्चुअल इक्वेशन है फोटोन की एनर्जी निकालने की, ठीक है? हाँ, तो यहां तक फ्यूजन, फिजन, मास नंबर, इन सब की बातें क्लियर हो रही है? यस सर। सर अब यहाँ पर आ जाओ, अब आता है एक फिनोमिना हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? देखो, जब भी कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना, तो उसमें से अपने आप क्या निकलने, वो स्टेबल होना चाहता है तो अपने में से क्या छोड़ता रहता है, रेडिएशन। क्या छोड़ना चाहता है? रेडिएशन, अपने आप ही। तो इसी रेडिएशन का निकलना, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, और जो न्यूक्लियस ऐसा हो रहा है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? यस सर। जिस न्यूक्लियस में से ये रेडिएशन निकल रही है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, और इस फिनोमिना को बोल देता हूँ रेडियो एक्टिविटी, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यस सर। सर अब यहाँ पर कैसे कैसे निकलते हैं, जब ये रेडिएशन निकलते हैं तो इनके कैसे कैसे पार्टिकल्स निकलते हैं इनके अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। इनके अंदर क्या निकल सकता है? अल्फा पार्टिकल निकलता है। देखो, जब रेडिएशन निकल रही है तो मैं बोलता हूँ रेडियो एक्टिविटी, ये डिके हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? डिके, मतलब ये रेडिएशन छोड़ रहा है, अपनी एनर्जी निकाल रहा है, धीरे धीरे इसका मास भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है, अपने आप को खत्म करता जा रहा है रेडिएशन निकाल के, तो इसको बोलते हैं डिके हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम बोल देते हैं रेडियो एक्टिव डिके। समझ में आ रहा है? Yes, तो सर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जब डिके हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं रिएक्शन के कारण। कौन कौन से नाम, कईयों के हम नाम पढ़ लेते हैं, एक का नाम है जैसे अल्फा पार्टिकल, दूसरे का नाम क्या है? बीटा पार्टिकल, तो बोल दिया गामा पार्टिकल, लेकिन ये क्या होता भी बताएंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो तुम बताइए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, हीलियम 2 पॉजिटिव, राइट? यस सर। हाँ, बीटा पार्टिकल क्या होता है तुम्हें पता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। ध्यान से सुनना, बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिट्रॉन, एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा बीटा पार्टिकल होता है? बीटा नेगेटिव पार्टिकल। समझ में आता है? यस सर। तो याद रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले तो वो कौन सा डीके होगा? बीटा डीके। कौन सा डीके होगा? बीटा डीके। अगर जिसमें अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उसको क्या बोल दूंगा?
अल्फा डीके, अल्फा डीके जिसमें पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो ये भी बीटा पार्टिकल, तो ये भी कौन सा डीके हो गया? बीटा डीके। तो ये बीटा पॉजिटिव डीके, ये बीटा नेगेटिव। कौन सा बीटा नेगेटिव होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ रहा? यस सर। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? बता रहा हूँ, अभी बता। देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, हर हर पार्टिकल के कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके क्या एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, एंटी पार्टिकल्स। क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं? एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स का मतलब समझ लो बिल्कुल अपोजिट बट सेम। मैंने दोनों चीजें बोली। देखो जो पॉजिट्रॉन होता है ये किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है लेकिन इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सब कुछ इसका इलेक्ट्रॉन की तरह है, बस इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। सब कुछ इसका मास भी इलेक्ट्रॉन की तरह है लेकिन इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो सर पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क क्या हुआ, कोई बता सकता था? प्रोटॉन पे भी तो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अभी आपने पॉजिट्रॉन में बताया, उसमें भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और दोनों में इलेक्ट्रॉन के जितना होता है चार्ज है ना, 1.6 × 10⁻¹⁹। इलेक्ट्रॉन पे तो इतना ही चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है। और मैंने बोला पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, बस पॉजिटिव लग जाता है। तो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ ऐसा कुछ होता हो अगर, तो सर ये क्या बात हुई? फिर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में फर्क क्या रह जाएगा? इनके मास का। वेरी गुड। सबसे पहला फर्क तो यही है, क्या? मास डिफरेंस। मास का। कौन हैवी होगा? प्रोटॉन हैवी होगा। प्रोटॉन। वेरी गुड। हाँ आंसर बिल्कुल, अस्मिता बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होते, अल्फा पार्टिकल जो हम फोटॉन्स की बात करते हैं ना, एनर्जेटिक फोटॉन्स। जब किसी रिएक्शन से फोटॉन्स एनर्जेटिक निकले तो उसको बोल देता हूँ मैं, सॉरी अल्फा नहीं, गामा पार्टिकल। क्या बोल देता? गामा पार्टिकल। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा एंड गामा। यस सर। ऐसे जैसे अभी एंटी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल अपोजिट्रॉन है, वैसे हमारे पास दो और पार्टिकल्स होते हैं बच्चे। अभी मैं इनकी हाइपोथेसिस करा नहीं रहा क्योंकि टाइम नहीं है, बाकी एक हाइपोथेसिस करानी चाहिए मुझे, है ना? मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर करवाऊंगा तुम्हें। पहले हम चैप्टर पूरा कर रहा था, उस हाइपोथेसिस तुमने पढ़ी भी होगी वैसे, न्यूट्रीनो हाइपोथेसिस, तुम्हारे चैप्टर में टॉपिक भी आई, होना भी चाहिए अगर नहीं है तो। न्यूट्रीनो हाइपोथेसिस नाम सुना? नहीं सुना? कोई बात नहीं, लेकिन ये ना इम्पोर्टेंट चीज तो है, बट अभी के लिए नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं चाहता हूँ कि मैं करवाऊँ ये, तो मैं करवाऊंगा तुम्हें जैसे ही टाइम लगता है मेरे को, है ना? थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलेगा हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस कर लेंगे। इसमें क्या बताया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम समझ पहले से पढ़ा हुआ है तुमने, अल्फा पार्टिकल के बारे में तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, राइट? ऐसे हमारे पास एक और पार्टिकल होता है स्मॉल पार्टिकल, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसकी डिस्कवरी कैसी हुई, इसको कैसे पता लगा कि ये भी कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, वो सब बताया हुआ है किसमें? न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ फंडामेंटल पार्टिकल अभी बताएंगे कैसे, वो वाला फंडामेंटल पार्टिकल थोड़ा सा अलग है ये। तो जब न्यूट्रिनो समझ जाओगे तो न्यूट्रिनो का बिल्कुल एंटी पार्टिकल हो जाता है एक, उसका नाम हो जाता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोल देते हैं? तो न्यूट्रिनो का क्या हो जाता है? न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो हम इसका देखेंगे, इसके ऊपर सर चार्ज होता भी है या नहीं होता है, सर ये कैसा है, वो हाइपोथेसिस में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम ऐसा समझ लेंगे कि दो पार्टिकल और है हमारे पास, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। और ये दोनों निकलते कहाँ है सर? बीटा डीके में। कैसे निकलते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है? चले यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अल्फा बीटा एंड गामा तक? चलो बिल्कुल कराएंगे, जेई में नहीं कराया लेकिन यहाँ पर तो भी हमारे पास टाइम है। न्यूक्लियर रिएक्टर तो मैं छोड़ूंगा, इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर तो बिल्कुल कराएंगे, जेई में नहीं करवाया बट मैंने, क्योंकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चीजें थी वहां पर इम्पोर्टेंट, तुम्हारा तो अभी टाइम है। देखो अल्फा डीके आ गया ये। अब क्या है इसमें ध्यान रख देने वाली चीज सर, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है एक्स, ये किस में डीके हो गया? वाई में। क्यों डीके हुआ सर? अनस्टेबल था, उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही थी, तो डीके में अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो मैंने इस डीके का नाम दे दिया अल्फा डीके। दिख रहा है ना ये अल्फा पार्टिकल निकलता हुआ? यस सर। यस सर। है ना? तो सर
इसमें डिके हो गया, चलो निकल गया निकल गया निकल गया। तो सर अब ध्यान से देख सर, एक न्यूक्लियस डिके हो गया दूसरे न्यूक्लियस पे, साथ में अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो देखो जेड पर, यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी होती है? टू। पीछे वाली रिएक्शंस में देखो 56 और 36 कितना होता है? 92। तो यहाँ पर भी क्या है? 92। यहाँ पर देखो ये टोटल 2 प्लस 0 कितना होता है? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 1 प्लस 1। 2। तो Z भी कंजर्वड है या नहीं है अभी के लिए? Yes, sir. है ना, तो यहीं से निकालेंगे देखना। तो निकला सर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए Z की वैल्यू क्या है सर? 2। तो पहले थी Z है ना, 2 निकल गया तो कितना रह गया? Z माइनस 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? पहले Z की वैल्यू थी 4 और उसमें से अल्फा पार्टिकल ले गया, अल्फा पार्टिकल का Z कितना होता है? 2। तो जो न्यूक्लियस मेरा बना इसके डिके होने से, उसका Z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। टोटल कितना आना चाहिए Z की वैल्यू? 4। तो इसकी 2 तो अल्फा पार्टिकल की होगी, बच कितना गया? 2 बच गया। 2। तो सर Z की वैल्यू 2। अगर सपोज करो मेरे न्यूक्लियस के Z की वैल्यू 6 थी और अल्फा पार्टिकल निकल गया साथ में, तो बताओ अब जो न्यूक्लियस बना उसकी Z की वैल्यू कितनी होगी? 4। क्योंकि अल्फा पार्टिकल कितना ले गया था पहले? 2। तो देखो अल्फा पार्टिकल 2 ले गया, Z था, Z में से कितना कम हो जाएगा हमेशा? 2। समझ में आ रहा है? तो अल्फा पार्टिकल में और मास नंबर में देखो, पहले A था, अल्फा पार्टिकल में यहाँ पर 4 था, होता है 4 न्यूक्लियस, तो 4 कम हो जाएगी। दिख रहा है सबको? Yes, sir. जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा वो ऐसे समझ लो भाई, Z कंजर्वड है ना, तो यहाँ पर Z की वैल्यू और यहाँ पर कंजर्वड रहनी चाहिए। सर ये Z है, ये Z के इक्वली आना चाहिए, तो Z माइनस 2 और अल्फा पार्टिकल का भी 2, तो करना 2 से 2 कट गया तो फिर क्या रह गया? Z। यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए Z माइनस 2 और यहाँ पर कितना आना चाहिए A माइनस 4। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम ऐसे, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, तो Z की वैल्यू सेम करनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले A की वैल्यू सेम करो, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर कितनी है सर? P। P। और यहाँ पर कितनी है? 4। तो A इज इक्वल टू P प्लस 4, दिख रहा है सबको? तो P की वैल्यू क्या आ रही है बताना? माइनस 4। वही तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तुम इसमें कर सकते हो सर, यहाँ पर इसको मान लो Q, तो Z इज, इसको मान लिया अगर Q, तो सर Z इज इक्वल टू Q प्लस क्या लिखूं? 2। तो सर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z माइनस 2। तो कुल मिला के बात ये आ गई सर कि अल्फा पार्टिकल जब अल्फा डिके होगा तो Z तो 2 से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट? जो नया रिजल्टेंट न्यूक्लियस बनेगा यानी Y जो बना है, इसमें Z की वैल्यू तो 2 कम हो जाएगी और A की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 4 कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो रहा है इसमें, इसका एग्जांपल भी देख लो यहाँ पर, ये साइड में सर यूरेनियम था 238, थोरियम में टूट गया, देखो यहाँ पर 238 है Z, A की वैल्यू, और कितनी कम होनी चाहिए थी A की वैल्यू बताओ? 4। तो यहाँ पर होगी 234। Four. 92 था, Z की वैल्यू कितनी कम होनी चाहिए? 2। तो 2 कम हो गए, क्या हो गई? 90। समझ में आ गया, बाकी जो Q है वो एनर्जी रिलीज है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब बीटा डीके क्या है? सबसे पहले बात करते हैं बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव कौन सा पार्टिकल होता था? इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? बीटा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो बीटा नेगेटिव में हो क्या रहा है? अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा सर। ये देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन भी निकला है सर, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको मैं बोलता हूँ बच्चे एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलता हूँ? एंटी न्यूट्रिनो। मैंने बताया था ना ये किसका एंटी पार्टिकल है? न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकल रहा है? एंटी न्यूट्रिनो। सर अब ये है क्या चीज, ये कैसे दिमाग में लर्न करेंगे? देखो ये एन होता है सर न्यूट्रॉन, क्या होता है? न्यूट्रॉन। सर H11 इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन के H11 को प्रोटियम। प्रोटियम।
प्रोटॉन ही बोल दूं, कोई दिक्कत? बीटा नेगेटिव में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है? प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? एक न्यूट्रॉन किस में बदल गया? प्रोटॉन। जहां पर ये रिएक्शन हो तुम्हें दिख जाए कि एक न्यूट्रॉन मेरा बदल गया प्रोटॉन में, तो वहां पर कौन सा है? बीटा नेगेटिव दिखे। अब देखो, अब तुम समझो सर, ए क्या होता है सर? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? तो सर इसके अंदर क्या हुआ है, एक न्यूट्रॉन किस में बदल गया? प्रोटॉन में। प्रोटॉन। तो सर न्यूट्रॉन भी क्या है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन भी क्या है? न्यूक्लियॉन। तो एक न्यूक्लियॉन जब दूसरे न्यूक्लियॉन में बदल गया, तो क्या ए की वैल्यू चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहले तो मुझे ये बताओ। सपोज करो, सपोज करो एक कोई एटम कोई है न्यूक्लियस, उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स थे? चार। इसमें से मान लो सर दो तो प्रोटोन, पांच मान लो, दो तो प्रोटोन थे, सपोज कर लो सिर्फ तीन न्यूट्रॉन है मान लो, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। अब इसमें से क्या हुआ, बीटा नेगेटिव हुआ, तो एक न्यूट्रॉन किस में बदल जाएगा? प्रोटोन। प्रोटोन कितने थे टोटल? पांच थे, दिख रहा है ना? उसमें से दो प्रोटोन तीन न्यूट्रॉन। तो जब बीटा नेगेटिव हुआ तो एक न्यूट्रॉन किस में बदल जाएगा? एक प्रोटॉन पे। जब एक न्यूट्रॉन बदल गया तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। तो तीन से कितने हो जाएंगे? टू। प्रोटॉन में बदल गया तो प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। कितने हो जाएंगे? तीन। अब कितने रह गए टोटल न्यूट्रॉन काउंट करना? पी होगा। कितने हो जाएंगे? पहले कितने थे? कोई बदला? No, sir. तो याद रखना बीटा नेगेटिव डीके में ए के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चेक भी कर लो सर। ये वन था तो यहाँ पर भी कितना है? वन कोई है। चेंज आया? नो सर। जो न्यूक्लियस मेरा बना है वो यही बना है ना, न्यूक्लियस नहीं बोलू प्रोटॉन बना है, जो रिजल्टेंट मेरा प्रोडक्ट बना है वो मेन प्रोडक्ट तो यही है, क्या इसके मास नंबर पे कोई चेंज आया? नहीं आया। तो अब यहाँ पर देखो भाई, एटॉमिक नंबर बोलता हूँ यानी Z, इसको क्या बोलता हूँ, और नाम भी होता है इसका, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर Z बोले, नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जनरली इलेक्ट्रॉन तो बच्चे लूज भी कर सकता है ना, जनरली हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना Z हो उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर जब न्यूट्रॉन था प्रोटॉन में बदला, तो प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ी है घटी? इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया यानी प्रोटॉन एक नंबर से बढ़ गया, यहाँ पर भी चेक कर लो से, पहले प्रोटॉन कितने थे बच्चे? दो। जीरो। अब कितने थे? तीन। तीन। तो प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो जेड की वैल्यू बढ़नी चाहिए या नहीं? तो जेड की वैल्यू एक बढ़ जाती है, तुम चेक भी कर लो, यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी थी? जीरो। और यहाँ पर कितनी है? वन। 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 समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। टोटल तो कंजर्वड ही रहेगा बच्चे, टोटल तो जीरो ही रहेगी, देखना ये वन और माइनस वन कितना हो गया? जीरो। कोई दिक्कत? नो सर। चलो और कुछ? अब तुम नीचे वाले पे कंजर्व करके बताना मुझे, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, ये आपने एंटी न्यूट्रिनो लिखा है इसको? हाँ ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी। तो ये पॉजिट्रॉन नहीं होगा? कौन पॉजिट्रॉन नहीं होगा? ये वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका एंटी वो पॉजिट्रॉन नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के साथ दो एंटी पार्टिकल ही निकलेंगे हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो पॉजिट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो लगना चाहिए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, तुम बताओ यहाँ पर वाई की। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? यस सर, ये लास्ट वाला बता दो एक बार फिर से, जो एटॉमिक नंबर वाला बताया। अच्छा ये वाला, देखो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए टोटल,
भाई एक प्रोटोन है ना, समझो मेरे पास, न्यूट्रॉन किस में बदला है? प्रोटोन में। तो एक प्रोटोन पहले अगर दो थे, अब प्रोटोन कितने हो जाएंगे टोटल? तीन। तीन हो जाएंगे। और प्रोटोन ही तो क्या होता है, जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू पहले अगर दो थी तो अब कितनी हो जाएगी? तीन। तीन। तो जेड की वैल्यू एक बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सर बढ़ जाएगी। तो यही बोला इसने कि बढ़ जाएगी। डन सर। तो अब वाई का बताओ, वाई का जेड की वैल्यू बताओ और ए की वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखू, दो जगह क्वेश्चन मार्क लिखा है ना मैंने, जेड प्लस वन और ए सेम रहेगा। कोई दिक्कत? नो सब देख लो, तुम्हारे पास टाइम है। चलें आगे। yes. और इसका एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, अगर मैं एक सेकेंड रुकना, चलो कोई बात नहीं। हाँ जतिन बोलो सर, क्या इसमें एक ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा हर बार अभी के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर रिएक्शन में होगा। जनरली हम ऐसे ही बात करते हैं कि न्यूट्रॉन किस में बदल रहा है, प्रोटॉन में। जब हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं तो एक न्यूट्रॉन किस में बदल रहा है, प्रोटॉन। यस सर। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हो सकती है, वो बैलेंसिंग की कंडीशन आ जाती है, तो वो बैलेंस में अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको। इसमें इसको तो नहीं पढ़ेंगे पूरा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस होती है ना, उसमें भी तुम्हें समझ में आएगा। तो बीटा नेगेटिव डीके समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। बीटा आप पॉजिटिव डीके अब कर सकते हो कैसे? उल्टा हो जाएगा बच्चे, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में गया है ना, उधर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबके पास कॉपी पेन है? यस सर। कोशिश करो लिखने की। अब यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, तो वहां पर कौन निकलेगा? न्यूट्रिनो। बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, न्यूट्रिनो। और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वहां कौन निकलेगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। निकाल के देखो, एच की वैल्यू पर सोचो, सॉरी जेड की वैल्यू पर सोचो क्या फर्क पड़ेगा, ए की वैल्यू पर सोचो क्या फर्क पड़ेगा, और मुझे बताओ। इसकी थोड़ी दो पेज छोड़ के मैंने रिएक्शन लिख भी रखी है, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। करो चले, किया किसी ने? यस सर। बताओ सबसे पहले क्या आएगा? प्रोटॉन, यानी एच वाला है ना, उसके बाद सर प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन में चेंज होगा, और साथ में क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन निकलेगा, और साथ में न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। अब बताओ जेड पर क्या फर्क पड़ेगा और ए पर क्या फर्क पड़ेगा? Z-1 और A सेम रहेगा। Z-1 और A सेम रहेगा। सबको समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। यस सर। क्योंकि प्रोटॉन एक कम हो गया ना, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन पे, तो Z कम हो गया, तो सर Z की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी। अब क्योंकि देखो प्रोटॉन कन्वर्ट तो न्यूट्रॉन में हुआ, तो टोटल न्यूक्लियन तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम रहेंगे। जितना प्रोटॉन घट गया उतना न्यूट्रॉन भी तो बढ़ गया ना, तो A की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। हो जाएगा क्या? ये देखो ऐसा ही होगा क्या? यस सर। बच्चे एंटी न्यूट्रिनो पे मैंने एक बार लगाया था, न्यूट्रिनो पे कोई बार नहीं लगाया। तो ये न्यूट्रिनो है, ये पॉजिट्रॉन है, यहाँ पर प्लस वन है ना, दिख रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देख लो, अब यहाँ पर चेंज बताना क्या आएगा, यहाँ पर जेड जेड माइनस वन, माइनस वन ए का, तो और ए जाएगा। कोई भी दिक्कत? नो सर। चलो बीटा डीके हो गया। गामा डीके में अभी ज्यादा करना नहीं है, हमने कब होता है ये समझ लो। देखो ये बीटा डीके और अल्फा डीके के साथ भी हो सकता है, याद रखना। गामा डीके बीटा डीके और अल्फा डीके के
साथ भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, हमने भी एटम्स पढ़ा था, एटम्स के अंदर हमने ऐसे पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से छोटी से ऊपर वाली लेवल पर जाता है तो नीचे आ जाता है, तो क्या एनर्जी को एमिट करता है या नहीं करता? यस सर, करता है। तो ये एनर्जी को एमिट करता है। सेम टू सेम इसमें जब न्यूक्लियस अपनी हायर स्टेट में चला जाता है ना, क्या चला जाता है मतलब जब ये डिके होते हैं, तो सपोज करो ऐसा हो सकता है जब जो ये न्यूक्लियस बना अल्फा डीके वाला समझ लो चाहे बीटा डीके वाला समझ लो, मान लो ये वाई जो न्यूक्लियस बना एक्स से बना ना, या अल्फा डीके और अच्छे समझ में आएगा। देखो वाई न्यूक्लियस बना एक्स से, एक्स yes, किसमें कन्वर्ट हो गया, वाई में, वाई में। कई बार ऐसा होता है, इस वाई की एनर्जी क्या हो जाती है बच्चे, बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हर चीज अपनी मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहती है। ये हायर लेवल से जब लोअर लेवल पे डीएक्साइट करता है, नीचे आता है, तो ये कुछ एनर्जेटिक फोटॉन्स को छोड़ देता है, उनको क्या बोल देता हूँ, गामा पार्टिकल, गामा फोटॉन्स बोल देता हूँ। तो उस डीके का नाम क्या हो जाता है, गामा डीके। समझ में आ रहा है? तो गामा डीके में अभी हमने इतना ही पढ़ना, गामा डीके समझ में आ रहा है, कब हो रहा है, दोनों के साथ भी हो सकता है, अल्फा बीटा साथ नहीं बोल रहे हम, गामा इनके साथ में हो सकता है, क्योंकि अल्फा हुआ सपोज करो उसकी एनर्जी, जब अल्फा वाला न्यूक्लियस बना उसकी एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो, तो वो सर वो नीचे आएगा तो गामा को एमिट करेगा ना सर। गामा कुछ भी नहीं है, क्या है, फोटॉन्स है, फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब फोटॉन्स बताइए सबको, यस सर, है ना, पैकेट्स ऑफ लाइट या एनर्जी एमिट कर रहा है, एमिट कर रहा है एनर्जी, एमिट कर रहा है, तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, तो हमने लिखा भी तो यही था सर, गामा पार्टिकल होता क्या है, एनर्जेटिक फोटॉन्स। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, डन अभी के लिए, जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो। यस सर। चल अभी अब ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, अभी जो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा है ना हमने सब थोड़ा बहुत, रेडियो एक्टिविटी की एक इक्वेशन होती है बच्चे, ध्यान से सुनना, वो इक्वेशन क्या होती है सर, एन इज इक्वल टू एन नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी, सबने सुनी होगी, देखी तो होगी एक बार ये इक्वेशन, यस यस, है ना। n क्या होता है कि कितने न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है ये डिके कर रहा है राइट, तो शुरुआत धीरे धीरे इसका मास भी क्या होता है, डिक्रीज, कम हो रहा है भाई, एक ही न्यूक्लियस थोड़ी होगा, है ना, एक एटम की बात करते हो तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो मतलब बहुत सारे एटम्स, देख कोई भी मटेरियल है उसके अंदर तो बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। यस सर। भाई अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, यूरेनियम एलिमेंट की बात करूं, तो क्या इसके अंदर एक ही यूरेनियम का न्यूक्लियस हो? नो सर। बहुत सारे एटम, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो शुरुआत में जितने थे उसको बोल देता हूँ एन नॉट, उसके बाद डिके हो रहे हैं, हो रहे हो रहे हैं, फिर बाद में जितने रह रहे हैं उसको क्या बोल दिया, एन। कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद जितने मेरे पास एक्टिव बचे हैं वो कितने हैं, एन। और लैम्डा यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है, जिसको बोल देता हूँ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ, डीके क्वेश्चन कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये सब के लिए कांस्टेंट होता, सबके लिए नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, डीके कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, डीके, डीके कांस्टेंट। तो सर ये तो हो गया, ये इक्वेशन ये होल्ड करता है, मतलब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नॉट, ऐसे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो बेसिक इक्वेशन है ये, यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है n क्या है, n नॉट क्या है, लैम्डा क्या है, t क्या है, n नॉट जो शुरू में था, n जो बाद में है, कितने टाइम बाद, n t टाइम के बाद, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट। तो सर ऐसे ही यहीं से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, हाफ लाइफ, किसका हाफ लाइफ सर, ये माइनस का शो कर रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है, अभी 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 डिस्कस समझ में आ जाएगा सर, सब समझ में आ जाएगा। सर एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, हाफ लाइफ क्या होता है कोई बताएगा मुझे, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द साइकिल, सर जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उस वो टाइम, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना, ये ऐसे समझो कि जब जो टोटल नंबर ऑफ मेरे पार्टी जो न्यूक्लियस थे उसका जो रेशियो पहले हाफ रह जाता है, पहले कितनी थी एन नोट, अब कितनी रह जाएगी, एन, एन कितना, हाफ रह जाएगा, हाफ इन द सेंस पहले का हाफ, पहले एन नोट थी तो कितनी रह जाएगी, एन नोट बाय टू, यानी जब एन की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, एन नोट बाय टू हो जाएगी, टू, तो जब जो टाइम होगा यहाँ पर वो क्या लिखूंगा, टी
लिख रहा हूँ मैं टी हाफ, इसका मतलब ये नहीं है टी बाई टू, ये सिर्फ तुम्हें ये बता रहा है इसका ये कौन सी लाइफ है, हाफ लाइफ। ये टी बाई टू नहीं लिख रहा, टी हाफ लिख रहा हूँ, मतलब ये हाफ लाइफ वाला टाइम। ठीक है, तो एन नोट से एन नोट कट गया क्या? दोनों साइड लॉग ले लूंगा तो यहाँ से एक मेरे पास नेचुरल लॉग ले लूंगा तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है जिसमें तुमने ज्यादा पछड़े में फंसना नहीं है। टी हाफ की वैल्यू आ जाती है, उसका वैल्यू हो जाती है सर नेचुरल लॉग टू डिवाइडेड बाय लैम्बडा। समझ में आ रहा है सर? ये कैसे आया सर? इन दोनों साइड मैंने क्या किया, लोग ले लिया बस, और कुछ नहीं किया, लोग लेते ही आंसर आ गया। अब तुम नेचुरल लोग की वैल्यू पुट कर देते हो तो उसको बोल देता हूँ नेचुरल लोग की टू की वैल्यू होती है 0.693। ये तो सबने ही पढ़ी होगी भाई, कोई इक्वेशन है ना? इसको बोलता हूँ टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाय लैम्डा। जिसको यहाँ पर कंफ्यूजन है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड क्या कर ले लिया, लोग ले लिया, तो ई से लॉग कट जाता तो ये माइनस का वही आ जाएगा और 1/2 रह जाएगा। चलो अब इसमें जो हमारे दिमाग के हैं, सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा कि सर ये माइनस क्या शो करता है? बच्चे इसका ग्राफ ऐसा शो करता है कि ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम के साथ इसका ग्राफ क्या जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर माइनस है एक्सपोनेंशियल के साथ, तो टाइम के साथ ये ऐसा ग्राफ जा रहा है एक्सपोनेंशियल। तो टाइम के साथ जो मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं जो बच रहे हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले एन नोट थे, धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से क्या छोड़ रहे हैं, रेडिएशन, रेडिएशन छोड़ रहे हैं। इसी प्रोसेस को तो मैंने क्या बोला, रेडियो एक्टिविटी के, है ना, रेडियो एक्टिविटी की या रेडियो एक्टिविटी। कोई दिक्कत है? माइनस वाला बात समझ में आया? यस सर। तो सर अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, टी हाफ क्या है, जो मेरे एक्टिव न्यूक्लियस, मेरे एक्टिव न्यूक्लियस एन से एन नोट से एन नोट बाय टू, यानी जो टोटल मेरे न्यूक्लियस ओरिजिनल थे, जब उनका हाफ बच जाएगा तब जो टाइम होगा उसको क्या बोल दूंगा, टी हाफ, यानी हाफ को डिसइंटीग्रेशन होने। समझ में आ रहा है? यस सर। जो टाइम लगेगा बचेगा या लगेगा ऐसा बोल दो। तो सर ये इक्वेशन तो समझ में आ गई। इससे इसके लिए सबसे आसान एग्जाम्पल करते हैं, किसका ये क्वेश्चन करके देखो। सर ये कह रहा है एक रेडियो एक्टिव, इससे भी आसान है, सेम ही है दोनों। सर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको डिके होने पर सर कितने डिके होने के बाद कितनी वैल्यू बच गई उसकी, 1/16 बच गई, यानी कि किसकी वैल्यू होगी, एन की, एन की, यानी 1/16 किसका बच गया, एन नोट का, तो ये किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि डिके होने के बाद 1/16 बच गई। सर 80 डेज कितने लगे इसको, 80 डेज यहाँ तक आने में कितने डेज लगे, 80 डेज। तो इसने पूछा सर हाफ लाइफ की वैल्यू बात बताओ कैसे होगा, हाफ लाइफ बताओ कैसे होगा। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो ये ट्रिक है इसकी, इस क्वेश्चन में भी नहीं लगा सकते, लगा भी सकते हैं तो भी देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी ट्रिक लगेगी, हम धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, लंबे मेथड से भी करेंगे। सर जब ये फर्स्ट हाफ के लिए जो टाइम लगेगा, मान लो फर्स्ट हाफ, ये जब तब की बात है जब कंसेंट्रेशन हाफ रह जाएगी एन नोट बाय टू, इसको क्या बोलता हूँ, हाफ लाइफ बोलता हूँ ना सर। सर इससे पहले क्या हुआ होगा, 1/4 फिर 1/8 टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर कितना रह जाएगा, 1/16 तो सर अब ध्यान से देखना, इसने बोला 80 डेज कब तक लगे, जब 1/16 लेवल पर पहुंचा, तो 1/16 लेवल पर जब पहुंचा तो कितनी हाफ साइकिल हुई होंगी, ये एक, थ्री, ये दो, ये तीन, ऐसा ही कुछ है क्या? Yes, sir. और सोचो सर, आपने यहां तक तो कर दिया सर, ये हाफ के सीधा आ गया होगा, यहां से ओरिजिनल से पहले, ये समझो ना, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी भाई, यहां से पहले कंसेंट्रेशन ऐसे वेरी कर दिया। पहले मुझे ये बताओ 1/32 बड़ा है या 1/16,
अगर मैं बोलूं, हाँ बोलना बोलना बोलना, तो 32 बड़ा है, 1/32 बड़ा है या 1/16 बड़ा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा जाता है उतनी वैल्यू छोटी हो जाती है ना. इसका हाफ कंसेंट्रेशन जो रह गई थी, ध्यान से सुनना, जब हाफ कंसेंट्रेशन रह गई थी उस टाइम पीरियड को बोलता हूं मैं हाफ लाइफ, है ना. तो ये शुरुआत में इतना था, इसको बोल देता हूँ ओरिजिनल वाला. Yes, उसके बाद इसकी हाफ रह गई, उसके बाद 1/4 रह गया, उसके बाद 1/8 रह गया, उसके बाद 1/16 रह गया, उसके बाद 1/32, उसके बाद 1/64. ये मैं 2 से क्यों कर रहा हूँ सर, मैं हाफ साइकिल्स काउंट कर रहा हूँ. पहली हाफ साइकिल यहाँ हुई होगी भाई, ओरिजिनल पे मैक्सिमम अमाउंट था तो उसका हाफ रह गया, तो ये मेरी होगी फर्स्ट हाफ साइकिल. अब हाफ की भी हाफ साइकिल कब होगी, जब 1/2 का कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4. सेकेंड हाफ साइकिल हुई ये, थर्ड हाफ साइकिल हुई ये, फोर्थ हाफ साइकिल हुई ये, फिफ्थ ये, सिक्स. तो बताओ जब ये 1/16 तक पहुंच गया होगा तो कितनी हाफ साइकिल हुई होंगी, फोर. 1, 2, 3, 4. सर चार हाफ साइकिल होने पे इसको कितने दिन लग गए, 80 days. इसने पूछा कितने हाफ, जब हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ मतलब 0 से 1/2, यानी एक हाफ साइकिल कब हुई है बताओगे भाई, चार हाफ साइकिल हुई 80 days में, तो एक हाफ साइकिल कितने में होगा, एक हाफ साइकिल कितने में होगा, 20 days. 80/4 यानी 20 days. समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट, ये बहुत बड़े मेथड से करते हैं बच्चे, कैसे कर देते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे पहले 0.693/लैम्डा, फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की, लैम्डा की, फिर इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे एनओ टी की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, उस टी की जगह यहाँ पर लिखेंगे 80 days. उसके बाद सुनो, ये दो इक्वेशन है, पहले बच्चे इस इक्वेशन जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. गिवन क्या है सर, 1/16 की वैल्यू गिवन है ना, तो सर पहले एन की जगह लिखेंगे वो 1/16 एन नोट, फिर एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू क्या गिवन है, 80 डेज गिवन है ना. यस सर. सर इस टी की जगह क्या पुट करेंगे, 80 डेज. यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की आ जाएगी, एन नोट से तो एन नोट कट जाएगा. सर इस लैम्डा को यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, वही निकालनी है. ये ऐसा मेथड यूज करते हैं कई लोग, तो हमने अभी ये मेथड यूज नहीं करता. हमको पता है कि सर ये सारी हाफ साइकिल्स में डिवाइड कर दिया, 0 से 1/2, टोटल से 1/2, फर्स्ट हाफ साइकिल 1/2 से 1/4, सेकंड हाफ साइकिल 1/4 से 1/8, थर्ड हाफ साइकिल मुझे दे रखा है 1/16. तो सर जब मैं 1/16 पे पहुंच गया तो कितनी हाफ साइकिल हो गई, 1, 2, 3, 4. तो चार हाफ साइकिल के लिए टाइम दे रखा कितना, 80 days. तो हाफ लाइफ का मतलब पहली हाफ साइकिल कब हुई, कब हुई, एक हाफ साइकिल के लिए 80/4, कितना हो गया, 20. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. समझ में आ जाएगा? यस सर. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, अगला करो. अब क्या बोल रहे हो, कहां कितना रह गया, 1/8. तो बताओ कितनी साइकिल होगी, पहले तो मुझे ये बताओ. 3 साइकिल. सबको समझ में आ रहा है सर, लिखो. 1/2, 1/4, 1/8. ये ओरिजिनल से गया, तो एक साइकिल, दो साइकिल और 10 आ गया. So 10 years. 10 आ गया. आ गया आंसर 10. लिखा भी 10 ही हुआ कि आंसर 10. Yes, सर टोटल था 30 years. ये थी तीन साइकिल में, तीन साइकिल में हो रहा है 30, तो वन साइकिल में हो गया 30/3. कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को? नो सर. क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट में करेंगे, देखते हैं क्या टाइम हो गया. 7:04. अभी तो पढ़ा है टाइम. 7:04. अभी तो पढ़ा है. ये करके देखो, इसके अलावा आसान भी है क्या कोई? चलो पहले ये वाला सॉल्व करो, 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल्स वाला. इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है. देखो तुम्हारे अंदर अगर ये 4-5 क्वेश्चन कर लोगे रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर से, मतलब ये n इज इक्वल टू n नॉट वाली इक्वेशन से और t हाफ से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये जेई के अंदर भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन.
मैंने तुम्हें लंबा मेथड भी करा दिया, देखो ये वहीं से डराई हुए, ये समझ में आ रहा है ना लंबा मेथड भी कैसे किया हमने, जो बड़े वाला मेथड है उसमें पहले हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली फिर टी हाफ वाले फॉर्मूले में पुट करी, वैसे भी आंसर आ जाएगा सेम, कोई दिक्कत नो सर, लेकिन वो करने की जरूरत है नहीं जब हमारा हाफ से काम चल रहा है तो। सर उसे उस ट्रिक को से भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अब तुम देखो ना, अभी तो तुम लगा लोगे, लेकिन जब अगर पूछ दिया हो कि 1/13 वैल्यू हो गई है तब कितनी हाफ साइकिल हो जाएगी बताना सर, हमको तो 2 वाला पता ना, 1/2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अगर उसने बोल दिया 13, 1/13, 1/9 तब क्या करोगे, बड़े मेथड समझ में आ रही है बात? यस सर, क्वेश्चन समझ में आया, उसके लिए भी है एक चीज अभी बताएंगे, ठीक है पहले अभी ये करते हैं। क्वेश्चंस तो हो गए थे तुम्हारे शुरू शुरू वाले में जो लाया था, बताना भाई किसका आंसर आ जाए बेटा। जिसका आ जाए हैंड रेस कर देना बच्चे। ये उस मेथड से नहीं होगा, इसमें तुमने अपने आप करना पड़ेगा। हुआ करें हम ट्राई करें फिर। हिंट दूं क्या?
25 लैम्डा 16 लैम्डा किस चीज की बात हो रही है, ये क्या गिवन है हमें, ठीक है हमेशा कितना पहले चेक करो ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे रखी है सर, हमें तो पता है सर ए की इक्वेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की, दो न्यूक्लियाई है बी और ए, ए के लिए इक्वेशन लिखना क्या हो जाएगी एन नोड ई सर माइनस लैम्डा टी, लेकिन लैम्डा क्या है सर ए के लिए 25 मैं ऐसे लिख दूं एन ए के लिए एन नोड ई की पावर, चलो चलो इसको लैम्डा ए बोल देते हैं बाद में वैल्यू पुट कर सर, एन बी के लिए क्या बन जाएगी अब ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा बी टी यही बन जाएगी क्या सर, एन बी बाई एन ए दे रखे हमने है ना यस सर, इन दोनों को डिवाइड कर दूं क्या यस सर कर दो सर, एन नोट से एन नोट कट गया क्या यस सर, एन बी बाई एन ए क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा बी टी यही होगा डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस लैम्डा किसके इक्वल है ये 1/a लैम्डा हम बाद में निकाल देंगे कोई बात नहीं, हम पहले ऐसे निकाल सकते हैं एन बी बाई एन ए ठीक है, विल बी कितनी दे रखी है देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी टू द ए विल बी ई, यानी एन बी बाई एन ई की रेशियो क्या दे रखी है हमें ई के इक्वल, तो ये पूरी चीज के इक्वल लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है सर, पूरी ये ई के इक्वल हो गया सर, अब चलो अब करके देखते हैं सर, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो सर ये ऐसे लिख देगा क्या e की पावर माइनस लैम्डा बी टी प्लस लैम्डा ए टी कुछ ऐसा इज इक्वल टू ई सर, इसमें से टी कॉमन ले लो एक बारी सर, अंदर क्या बच गया लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, कोई दिक्कत नो सर, सर माइनस लैम्डा इसलिए बाद में लिख दिया लैम्डा ए पहले लिख दिया सर, यहाँ पर ई की पावर कितनी है, ये यहाँ पर ई की पावर कितनी है सर One. कोई दिक्कत नो सर, कैसे करें सर, टाइम पीरियड तो नहीं पता, टाइम पीरियड पता है क्या आप लोगों को नो सर टाइम पीरियड निकाल के देखो सर, सर अब यहाँ से इसका मतलब ये लिख दूं क्या सर, टी इंटू लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इज इक्वल टू वन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा क्या, चेक करते सर लैम्डा ए की वैल्यू गिवन है क्या, यस सर 25 लैम्डा बी की वैल्यू गिवन है क्या 16 लैम्डा, ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा इज इक्वल टू 1/t तो सर कितना हो गया 9 इक्वल टू 1/t तो टी इज इक्वल टू 1/9 और इन्होंने जो टी की वैल्यू दे रखी है वो क्या है 1/a लैम्डा आफ्टर अ टाइम, तो टाइम की वैल्यू उसने दे रखी है पहले, तुमने सिर्फ ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू क्या आएगी 9 बस कुछ था, मैंने इक्वेशन ही यूज करी है जो मेरी थी और देख लिया जो जो गिवन था सर, जो कट रहा है काट दिया, बस मैंने दो इक्वेशन लिखी और उसको क्या कर दिया डिवाइड किया, ये तो मैंने एक एक स्टेप करके बताया तुम्हें, कोई दिक्कत नो सर, देख लो जिसको कोई भी डाउट है इस पूरे में कुछ भी चले यस सर, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का ये, अब जो पूछ रहा था ना सर ये हम फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा वो कैसे करेंगे सर, वो ऐसे करेंगे अभी देख, अब इस क्वेश्चन में इसने बताया इतनी वैल्यू बन गई, देखो इसमें तुम पिछले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो ऐसी कोई बात है नहीं, पिछले वाला एक क्वेश्चन को भी यूज कर सकते हो लेकिन थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा, बहुत जब 1/13 आ जाए उस केस में तो हमने चलो
जैसे लंबा मेथड तो तुम सबको बताया है मैंने कैसे करना है, yes, sir. लंबे मेथड से करना पड़ेगा, कई बार तो ऐसा ही होगा जब बेस्ट वैल्यू हमारे वाले से आंसर नहीं निकलेगा तब, लेकिन वो क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं क्योंकि तुमको भी पता है कि टाइम कम होता है तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, बट कर तो लोगे, उसमें भी कैलकुलेशन का ही खेल है, तुम्हें पता लग गया एक जगह से लैम्डा निकाल के दूसरे में पुट करना है बस। यस सर। यस सर। करके देखो, ट्राई मारो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम अपना वो वाला खोलते हैं जो तुम्हारा अवंती का था। आंसर भी तुम्हारे सामने आया ही हुआ है 20। एक हिंट देता हूं, एन की वैल्यू निकाल लो एक बार, सबसे पहले फ्रैक्शंस में निकालो, फ्रैक्शंस में वन बाय कितनी आ रही है वो याद देखो, एन की वैल्यू पैर थक गए। एन की वैल्यू आई किसी की, परसेंटेज में बताना एन कितना हो जाएगा, बताओ एन की वैल्यू कैसे निकालोगे पहले तो ये बताओ, कितना रह गया लास्ट में एन? 6.25 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 6.25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी होती है? जीरो। नहीं नहीं, इनिशियल वैल्यू कितनी होती है इक्वेशन में? एन नॉट। एन नॉट यानी एन नॉट का 6.25% निकालना कैसे निकालोगे? हाँ बोलो 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 बोलो, साथ साथ लिखूंगा मैं, बताओ एन नॉट का 6.25 कैसे निकालते हैं? एन नॉट इंटू में क्या करूं? 6.25 आगे डिवाइड बाय 100, ये हो गया ना 100। yes, इसका इतना वैल्यू बच गया, तो ये कितना हो जाएगा सर? इसको काट के देखो, एन नोट को एक बार ऐसे ही रहने दो, 6.25 को लिख सकता हूँ सर 625 डिवाइडेड बाय 100, और साथ में 100 है ही सर, काट दो कितना आ रहा है? 16 आ गया। वेरी गुड, 1/16 16 आ गया ना, यानी जो मेरी n की वैल्यू है वो इनिशियल का कितना है 1/16 आया, 16। अब तुम्हें पता है यानी टोटल वैल्यू मेरी 1/16 हो गई इनिशियल वैल्यू की, तो काउंट नहीं कर सकते क्या कितनी हाफ लाइफ है? 4 हाफ लाइफ है, 4 हाफ। सबको समझ आ रहा है? जैसे 1/ ओरिजिनल से 1/2, 1/4, 1/6 सॉरी 1/8, 1/16 कितनी है? 1, 2, 3, 4 हाफ लाइफ में सर, 4 हाफ लाइफ। इसने पूछा क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, कहाँ है, कहाँ एक्स इयर्स, टाइम, ये टाइम पूछा ना इसने। यस सर। यस सर। तो बताओ हाफ लाइफ का मतलब एक लाइफ का तो टाइम दे रखे कितना? 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को 4 से क्या आ रहा है? 20। तो आंसर आ गया ना 20। यस यस सर। यस सर। कुछ है क्या इसमें बढ़िया, मतलब कुछ खराब सा कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है? बस याद रखना एक चीज, सर परसेंटेज वाली जब भी वैल्यू हो ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो ताकि तुम्हें आसानी हो। यस सर। उसके बाद चाहे हाफ लाइफ पूछी हो चाहे क्या पूछा हो, टोटल टाइम पीरियड पूछा हो। जैसे इसमें हाफ लाइफ गिवन थी और इसने टाइम पीरियड पूछा था कि इतना कब हो जाएगा, तुम्हें पता है इतना होने के लिए 4 साइकिल होनी पड़ेंगी, एक साइकिल हाफ, हाफ लाइफ मतलब एक साइकिल, एक एक हाफ साइकिल, तो हाफ एक हाफ साइकिल का टाइम दे रखा था 5 साल,
तो चार हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, पांच गुना में फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर ट्वेंटी। कोई दिक्कत है, मैं 6.25 की जगह कुछ और लिख दूं तो लिख दोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर पर अगर ना कई बार कुछ और वैल्यू आ जाए जिसमें ये नंबर इवन ना आए तब दिक्कत होएगी ना, 1/13 हो जाए। Yes, sir. Yes, sir. इसमें मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को मेन मोटिव क्या था इस 1/16 करने का, कि मेरे को ये पता लग जाए कि कितनी हाफ साइकिल्स बनी है, राइट? यस सर। ऐसा भी ना हो तो फिर देखो एक और चीज है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एन इज इक्वल टू एन नोड, हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं ना, हाफ साइकिल कितनी बार रिपीट होगी, एन नोड से उसको मल्टीप्लाई कर दो। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स। अब तुम्हें दे दिया मान लो एन की वैल्यू, कितने भी परसेंट दे दी, तुम एन निकाल सकते हो, एन की वैल्यू 4, 5, 6, 7, इस फॉर्मूले से तुम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? Yes, sir. चेक करते हैं इधर ही देख लो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/16 पुट कर दूं क्या? Yes, sir. n नॉट 1/16 ऑफ n नॉट, तो n नॉट तो है ही, यहाँ पर भी n नॉट है ही, 1/2 की पावर n, n नॉट से n नॉट कट गया क्या? Yes, sir. 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n n, ये भी तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 16 को क्या लिख रहा हूँ, 4, तो सर यहाँ पर 1/2 की पावर क्या है 4, यहाँ पर 1/2 की पावर क्या है n, तो n की जगह क्या लिख दूंगा 4। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है कि 1/13 गिवन हो, 1/15 गिवन हो, नहीं, ये अल्टरनेटिव किसका है जो ऐसे हाफ लाइफ काउंट ना कर पाए, वो सीधा यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिखे और किसकी वैल्यू निकाले, एन की। एन की वैल्यू, कोई दिक्कत? Yes, sir. तुम्हारे नीट में तो अगर मान लो यहाँ पर 13 दे दे तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ना ये निकालने में, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 2 का कितना स्क्वायर लिख सकता हूँ, कितना फोर, तो इसको क्या 2 की टेबल में काट सकते हो क्या तुम? नो सर। समझ में आ रहा है ना, तो ये तरीका तब काम आएगा जब तुम्हें वन इवन नंबर दे रखा हो, और इवन नंबर का एक और तरीका भी तुम्हें बताया, ये वाला, तुम्हारे केस में अगर इवन नंबर नहीं आएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही बड़े वाला मेथड, कौन सा, एन इज इक्वल टू एन नो टी की पावर माइनस लैम्बडा टी, यहाँ से क्या निकालूंगा लैम्बडा और किसमें पुट कर दूंगा, हाफ लाइफ वाले, अगर पूछा हो ये वाला टाइम तो हाफ लाइफ वाले से क्या निकालो लैम्बडा और किसमें पुट कर दो इसमें, तो ये टाइम आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, अगर पूछा है तुमसे टोटल टाइम तो ये टाइम निकालना है ना मतलब, yes. तो उसके लिए लैम्बडा यहाँ से निकालना पड़ेगा और इसमें पुट कर दोगे, अगर पूछा है हाफ लाइफ तो उसके लिए लैम्बडा ये वाला टाइम गिवन होगा, लैम्बडा यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देना, तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, कभी भी मेरे को तो दिखे नहीं अभी तक जो मैंने देखे हैं, दिखेंगे तो मैं जरूर करवा दूंगा प्रैक्टिस भी और भी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये हाफ लाइफ वाला मेथड सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी Yes, sir. को भी डाउट है कैसे हाफ लाइफ में कन्वर्ट करते हैं कैसे, अब इस इक्वेशन को कहीं पर भी लगा देना तुम, n इज इक्वल टू एन नॉट कितनी हाफ लाइफ है, हमेशा n की वैल्यू आ जाएगी, चेक भी कर सकते हो तुम, इसमें तो हमने चेक करके भी देख लिया 1/16 वाले में, इसमें भी चेक करके देख सकते हो क्या आना चाहिए इसमें हाफ लाइफ की वैल्यू, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हुई थी यहाँ पर, 1, 2, 3 हुई थी। Yes, sir. तो चेक करके देखना सर, 1/ क्या था फॉर्मूले में, 1/ था क्या, n इज इक्वल टू n नॉट कितनी हाफ लाइफ हुई है, n n की वैल्यू क्या पुट करूं कितना हो गया था, 1/8 है ना, पता लग रहा है साफ ही, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का क्यूब, 1/2 का n, देखो नंबर ऑफ हाफ साइकिल कितनी आ रही है, 3।
तो चाहे ये फॉर्मूला पुट कर दो, लेकिन ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ज्यादा आसानी से सीख पाते हैं, है ना। जीरो, वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय एट, वन बाय, हाँ ये फॉर्मूला कब यूज कर लोगे, जब तुम्हें बहुत बड़ा नंबर दे रखा हो, इवन वाला, वन की पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो, इवन मतलब टू से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला सीधा पुट करो, लेकिन उस केस में भी तुम्हें उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। कर लेंगे हम। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट आज के कुछ किसी भी सेशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कंसेप्ट में, तो पूछो पहले। है क्या कोई डाउट? नो सर। नहीं है तो भी जोर से बोलो ना सर, नहीं है, मेरे को थोड़ा अच्छा लगे फिर। नो सर। चलो ठीक है, अब दो तीन पांच मिनट का रेस्ट लो, फिर हम अवंती वाला क्वेश्चन मैं पेपर खोलता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, yes, पांच मिनट का रेस्ट, मैं भी पानी पी लेता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. कोई कुछ बोल तो नहीं रहा था ना, मैं अभी नीचे पानी पीने गया था। No, sir. No, sir. स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं फटाफट। Yes, sir.
देखो स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन तो अभी डिस्कस करना पॉसिबल है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आज हम वो कर ले जो हमारे सिलेबस में हम कर चुके, पहले उनको डिस्कस करते हैं फिर बाकी लोगों को बात करें। स्टार्ट चलो। यस सर। तो पहला क्वेश्चन है ये जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से था अभी, अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव इन सच अ वे दैट एक्स कोऑर्डिनेट्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल वेरी विद टाइम। मतलब ग्राफ बना रहा कैसे होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या लगा के आए थे तुम, टिक करके आए थे? तनिष्का ठाकुर सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन। कहाँ है तनिष्का? तनिष्का है यहाँ पर? तनिष्का ठाकुर देखना भाई, सब किसी को दिख रहे हैं तो मुझे बताना। अभी तक तो थे या फिर को प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए लेफ्ट कर दिया होंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी नहीं क्या स्पीड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है। तो बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिए जाएंगे। हिंट दो मुझे थोड़ा बहुत, जैसे इंटरेक्शन करोगे तभी समझ में आएगा। देखो यस सर। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कैन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी नेगेटिव? नो सर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? बी एंड डी। बी एंड डी खत्म कहानी। बी एंड डी चलो अब रह कौन सा गया? ए एंड सी चेक करो भाई। ए वाला क्यों? इसका आंसर देखो कैसे है भाई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है ना, डिस्टेंस की, और क्या पूछ रखा है स्पीड। तो डिस्टेंस से स्पीड बनाने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? Differentiate. X को differentiate करूंगा तभी तो V निकलेगा। फिर कर दो dx by dt बन जाएगा V left hand side पे, और 4 का differentiation क्या हो जाएगा? 0 minus 2t का t minus 2 क्या हो जाएगा? minus 2 है ना, ऐसे हो जाता है ना, d by dt of minus 2t कैसे हो जाएगा? minus 2 बाहर है, dt by dt right? क्या होता है देखो ट्रिक तो क्या, ये सारे ऐसे करेंगे। जब भी ग्राफ देखो ना तो ग्राफ देखा करो ओरिजिन से, ओरिजिन पर टाइम की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। तो सर यहाँ पर टाइम की वैल्यू जीरो पुट करना तो वी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस टू यानी माइनस टू तो ले ही नहीं सकता क्योंकि क्या है वेलोसिटी, तो प्लस टू ले लू क्या? यस सर। ठीक है तो मतलब ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होगा पहली बात तो ये। चलो ये भी समझ नहीं आती तो इसको भी काट देते हैं। सर ये चेक करो v की वैल्यू जीरो कब हो रही है या नहीं हो रही कहीं पर, जब मैं यहाँ पर t की जगह क्या पुट कर दू? ये भी अच्छी अप्रोच नहीं थी। ये चेक करो t की जगह क्या पुट कर दूं, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो v की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। यानी 1 सेकंड पे ग्राफ क्या हो रहा है, v की वैल्यू हो रही है जीरो। v की वैल्यू जीरो मतलब ग्राफ मेरा कहाँ चला जाएगा? x एक्सिस पे। यस सर। a और d में बताओ कहीं पर v की वैल्यू जीरो कहाँ पर हो रही है? ए ऑप्शन में हो रही है। c पर कभी जीरो हो रही है v की वैल्यू बताओ? नो सर। तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत? नो सर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। और ऐसे भी चेक कर सकते हो सर, v इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू टी है ना, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी या प्लस सी जो भी है। इस इक्वेशन का बनती है तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो स्ट्रेट लाइन की ये तो है नहीं सर, ये वैसे ही कलेक्ट हो गया, ये खत्म क्योंकि नेगेटिव है
यहाँ पर क्यों आएगा अगर जीरो आ रही है वैल्यू एक जगह, तो एक जगह जीरो तो यही आ रही है और कहीं आ रही, यहाँ पर तो कभी जीरो हो ही नहीं रहा, ये तो सीधा बढ़ रहा है, राइट? यस सर, यस, है ना? कोई दिक्कत, चलें आगे? यस सर, चलो, यस सर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 3, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बताओ वो क्या कह रहा है? बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, कैसे भी मान लो प्रोजेक्ट किया, यह मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं फेंक रहा हूं कुछ, ठीक है, तो मैंने मान लो किसी एक एंगल से फेंका, थीटा एंगल मान लो फेंका, तो मैक्सिमम पॉइंट यहां है इसका, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो दे रखी है, यानी पॉइंट ए पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, इसकी रेशियो कितनी दे रखी है? 3. तो बताओ सर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा की वैल्यू, हाउ कैन यू टेल दैट? सोचो, बताओ 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 बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला? mgh. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2. तो जहां से बेसिक पता है वहीं से स्टार्ट क्यों नहीं करते? बोलो सर, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी लिखो, ठीक है, चलो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है. अब सर, मैक्सिमम हाइट पर कुछ होता था क्या? कोई स्पेसिफिक चीज होती है क्या मैक्सिमम हाइट पर कुछ, जो बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है तो कोई चीज जीरो होती है? वर्टिकल कंपोनेंट, किस चीज का? जो चीज सर फेंक रहे हैं उस चीज का वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता. देखो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या जीरो होती है, क्या जीरो होगी? पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि हाइट उस टाइम पर मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पर डिपेंड कर रही है. समझ में आ रही है? हाईएस्ट पॉइंट पे तो सबसे ऊंचा, हाइट सबसे ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा. वो तो जीरो हो नहीं सकती भाई, जब बॉडी ऊपर गई है तो उसके बाद नीचे आती है ना हमेशा. क्यों? क्योंकि वहां जाकर उसकी वेलोसिटी रुक जाता है वो एक टाइम के लिए, उसके बाद वो नीचे आने लग जाता है. तो फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है? जीरो. लेकिन कौन सी कंपोनेंट उसका? वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट. हाँ, लिए ना कर देना वी की वैल्यू जीरो तो ये इन्फिनिटी हो जाता. यस सर, समझ में आ रहा है? किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. पूरी वेलोसिटी नहीं, कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट? सिर्फ फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी. तो इस टाइम पर सबसे पहले ध्यान रखो, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा है, इसके पास जो वेलोसिटी है वो सॉरी कौन सी डायरेक्शन में होगी? कौन सी डायरेक्शन में होगी? हॉरिजॉन्टल. क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो उसका क्या हो गया? जीरो हो गया. जीरो. समझ में आ रही है? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को ही कौन अफेक्ट करता है? देखो क्यों. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा फाइनल वेलोसिटी को बताओगे? ये मैंने बताई थी चीज प्रोजेक्टाइल में एक्स्ट्रा क्लास में, रिवाइज करोगे ना बच्चे तभी बात बनेगी. भाई जब ये बॉडी ऐसे जा रही है, इसके दो कंपोनेंट हैं यहाँ पर, एक तो इसको बोल देता हूं यहां पर है मान लो बॉडी मेरी, तो एक तो इसका कंपोनेंट होगा वी cos theta initially, और वो दूसरे वाला कौन सा होगा? sin cos theta. sin theta. सर दो कंपोनेंट है, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही. तो मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल कंपोनेंट तो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, वेलोसिटी उसकी क्या होती जा रही है? कम हो रही है. कम हो रही है. क्यों हो रही है कम? क्योंकि उसको कौन खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट को?
ग्रेविटी 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 वर्टिकल में लगती है ना हमेशा, इसीलिए इसकी वैल्यू वेलोसिटी कम हो रही है, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बट सर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रही है क्या? नो सर। तो ना तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में बढ़ेगी ना तो घटेगी, जितनी पहले थी उतनी रहेगी। तो यहाँ पर भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या रह जाएगी? इनिशियल सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, सेम टू सेम जैसे पहले थी वैसे ही अब है, क्योंकि ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। क्यों नहीं घट बढ़ रही? क्योंकि वहां पर कोई फोर्स ही नहीं है। जब वर्टिकल वेलोसिटी के लिए तो ग्रेविटी फोर्स लग रही थी ना? यस सर। वर्टिकल तो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींच रही थी, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और सबसे ऊपर पहुंच गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना? लेकिन हॉरिजॉन्टल में उसको कोई खींच नहीं रहा, जैसे पहले थी वैसे ही अब, धक्का भी तो नहीं लगा रहा, खींच नहीं रहा, तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। तो सर अब यहाँ पर जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये कौन से पॉइंट पे है? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है? वर्टिकल। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होएगी और कौन सी होएगी, एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी? हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल होगी क्योंकि वर्टिकल तो हमने बोल दिया बच्चे अभी, क्या हुई है? जीरो। जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोला है? कोस थीटा वाला। तो सर एम जी एच डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख दू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्योंकि वी की वैल्यू थी यू कोस थीटा, v स्क्वायर की हो जाएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। ये किसके इक्वल है? 3। सर जो कट रहा है पहले तो उसको काट, कट रहा है क्या ये? ठीक है सर, g h रह रहा है। तो सर हाइट तो मैं निकाल सकता हूँ ना, एक इक्वेशन पता है मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन में, वैसे भी कौन सी सर h की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन पता है सर हमें? v square minus u square is equal to 2gh, पता है क्या सबको? Yes sir. काइनेमेटिक की थर्ड इक्वेशन v square minus u square is equal to 2as, a की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? g सर। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है ना, क्योंकि g कहाँ पर लग रहा है? वर्टिकल में। तो ये पूरी इक्वेशन कहाँ लगाई है? वर्टिकल में। तो सर वर्टिकल इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। पुट कर दू क्या? जीरो। Yes, sir. वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बताना? जीरो होती है। जीरो। देखो देखो इनिशियल हॉरिजॉन्टल में ये थी, वर्टिकल में ये थी, क्या होगी बताओ? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा इज इक्वल टू टू। जी के लिए पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लू? नेगेटिव, क्योंकि जी नीचे लग रहा है। और एच तो सर यहाँ पर इस फॉर्मूले में जी एच है ना, तो सीधा जी एच की वैल्यू निकाल लो। ये माइनस है तो माइनस कट ही रहा है, तो जी एच की वैल्यू क्या आ रही है बताना? बताओ जी एच की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू। टू पुट कर दू क्या इस जी एच की जगह ये? यस सर। तो कर दो सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू है ना, और नीचे क्या है यहाँ पर सर? हाफ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री। थ्री सर, इस टू से तो टू कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर is equal to 2, 3, 3, तो tan theta क्या हो जाएगा? root 3? root 3, yes sir. तो theta कब होता है? tan theta root 3? tan theta root 3 कब होता है बच्चे? tangent 60 पर। समझ में आ रहा है? yes sir. तो theta की value क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? यही है क्या तुम्हारे ऑप्शन का आंसर? चेक करो जिसके पास आंसर किया है। मैंने लिखा तो था कहीं आंसर, लिख रहे तेरे को। कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का सी। ठीक है 60 डिग्री।
ठीक है, अभी कैसे आया सर बताओ, सबको पहले तो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज गिवन है ना वो देखो, जो निकालनी है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, थीटा निकालना है सर। सर गिवन क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो लिख दिया, तीन के इक्वल है। तो सर अब कुछ नहीं पता कैसे चलूं, तो सिंपल जो मेरे को पता है वो लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा क्या, MGH, काइनेटिक एनर्जी का लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, तीन के इक्वल। सर अब यहाँ पर निकालना तो थीटा है, तो यहाँ पर थीटा तो आना ही चाहिए ना, तभी निकलेगा। सिंपल सी बात है सर, थीटा होएगा ही नहीं मेरी इक्वेशन में, थीटा लाना पड़ेगा। तो सर जो लाना पड़ेगा वो देखो सर, वी स्क्वायर है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ सर, जब हाईएस्ट पॉइंट है तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो रह जाएगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली रह जाएगी। तो यहाँ पर आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब क्या हुआ सर, एच अगर मेरे को गिवन होता तो बात बन जाती, लेकिन एच तो गिवन ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वाली इक्वेशन निकाल ली। क्यों, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, एच आ जाए। एच भी मैंने थीटा की फॉर्म में निकाल लिया, बस इसके अंदर पुट कर दिया तो टेंजेंट थीटा बन गया। अगर एच गिवन होता तो मैं ना पुट करता बच्चे, अगर मान लो इसने दे रखी होती एच मैक्सिमम की वैल्यू 5 मान लो दे रखी है, तो मैं एच की जगह सीधा क्या पुट कर देता, 5 मल्टीप्लाई बाई जी क्या हो जाता, 50। तो सिंपल, तो वो थीटा यहां से निकल ही जाता फिर भी। लेकिन अब यहाँ पर एच नहीं दे रखा था, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन का यूज किया। समझ में आ रहा है क्यों किया? Yes, sir. जो चीज मेरे को नहीं गिवन होगी तो मेरे को वो निकालनी ही पड़ेगी ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो मैंने थीटा की फॉर्म में निकाल ही दिया था, थीटा तो मेरा सोल्व हो जाता अगर एच गिवन होता, एच नहीं था इसलिए मैंने ये इक्वेशन यूज की। और यही इक्वेशन इसलिए यूज की क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देता मैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए टी है क्या तुम्हारे पास? नो सर। नहीं सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर लेता, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है? एच की। तो इस पूरी इक्वेशन में कहीं एच दिख रहा है क्या? नो सर, नहीं दिख रहा, इसलिए सिर्फ एक ही इक्वेशन बची सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो एच यहाँ से निकल सकता था, इसलिए ये वाली इक्वेशन यूज। कोई दिक्कत? नो सर। देख लो 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर भी कोई मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो बता दो। हाँ जतिन सर, ये जो आपने एच की वैल्यू निकाली और उसके बाद पुट की, सर ये वाला स्टेप एक बार रिपीट कर दो। ये देखो भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh है ना? यस सर। फाइनल ये होता है सर, फाइनल वेलोसिटी ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, राइट? लेकिन मैंने कौन सी डायरेक्शन में ले रहा हूँ पूरी इक्वेशन? वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में। तो ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर है ना सब कुछ, तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? मतलब अब मैं कहां से कहां तक की जर्नी देख रहा हूँ, जब मैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो मेरी यहाँ पर वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल। इनिशियल, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो वी वाई की जगह पुट कर दिया जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा सर? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी तो यही थी ना यू, और कौन सा कंपोनेंट सिर्फ? साइन, साइन थीटा। तो वहां पे लिख दिया यू साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। अब साइन कन्वेंशन पुट करी जी के अंदर, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, तो माइनस जी लिख दिया। तो यहां से एच की वैल्यू क्या आई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस इक्वेशन को मैंने कहां पुट कर दिया? ये मैंने सीधा किसकी वैल्यू निकाली है? जी एच की। किसकी निकाली है? जी एच की। तुम एच की भी निकाल दो, जी कट जाएगा वहां पर करोगे, तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है? क्योंकि यहाँ पर मेरे को किसकी चाहिए सीधा? एच की। जी एच मैंने सीधा पुट कर दिया। देख जी एच की जगह क्या लिख दिया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो जी एच जहां था उसकी जगह लिख दिया मैंने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यस सर। सर नीचे हाफ एम वी स्क्वायर था ही, हाफ एम वी, एम की जगह तो एम तो पहले काट दिया था मैंने, और नीचे यू स्क्वायर की जगह था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा कितना हो गया? √3। थीटा √3 कब होता है? 10 थीटा 60 डिग्री। कोई दिक्कत? नो सर, थैंक यू सर। कोई बात, चले आगे। यस सर। यस सर। ये
ये देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये पूछा कि इन द गिवन अरेंजमेंट द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। तो सबसे पहले तो देखो ये भाई फोर्स है, पहले तो नॉर्मल लगेगी कहाँ? अपवर्ड। अपवर्ड नीचे क्या लग रहा होगा? mg। इसके दो कंपोनेंट होंगे, थीटा वाला क्या हो जाएगा? ये वाला cos थीटा, f cos थीटा। इस टाइम ऊपर वाला f cos थीटा होगा, सिर्फ यही खेल था इसमें, क्योंकि थीटा मैंने तुम्हें बता रखा है ट्रिक में कि जो साइड थीटा हो वही वाला क्या होता है? f cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर f cos थीटा का परपेंडिकुलर यहां होगा, यस यस, ये हो जाएगा f sin थीटा। उसने पूछा नॉर्मल फोर्स, अभी अगर रेस्ट पर है बॉडी तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली को बैलेंस करेगी। ऊपर yes, बताना कौन कौन सी लग रही है, n प्लस f cos थीटा किसके इक्वल होगी? mg। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? mg माइनस f, mg माइनस f cos थीटा। कहां पर है? b, ऑप्शन b। चेक भी कर ले, फोर्थ कौन सा? फोर्थ का b। कोई दिक्कत? नो। चले आगे, ये तो आसान था। Yes, sir. ये क्या कह रहा है? ये भी आसान है, फिफ्थ का भी देख लेंगे भी। वो बोल रहा है कि बॉडी इनिशियली तो कैसी थी? रेस्ट। रेस्ट पर। सपोज करो ये ग्राउंड है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, जब मैंने इसको फेंका तो ये पहले मान लो ये मेरी विंडो है, मान लो मेरे घर की विंडो है ये, इस विंडो से मैंने कोई चीज फेंक दी नीचे, ठीक है? तो पहले तो ग्रीन विंडो ग्राउंड से कितनी हाइट पर थी? एच हाइट पर। ये तुम्हें एग्जांपल देके बता रहा हूँ ताकि समझ में आए तुम्हें ये क्यों लिखा हुआ। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे गिर रही है उसकी हाइट कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। तो कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे तो डिपेंड करती है, एच कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम होगी। तो इसलिए इसने क्या लिखा हुआ है कि इट लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कितनी? बाय u। तो शुरू में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, कोई बता सकता है? जीरो। क्यों? रेस्ट पे थी बॉडी, क्योंकि रेस्ट पर थी। तो शुरू में सिर्फ कौन सी एनर्जी थी इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। अब जब नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वड है तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम है काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बन जाएगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं सीधा ही लिख सकता है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का लूज होना किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के गेन होने। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज हो रही है? यू। यू। और काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होती है, बताना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हाफ एमवी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, टू यू एम। सॉरी पूछा क्या है इसने? मास पूछा ना, तो मास की वैल्यू निकालो, बेगिरी निकालने। मास की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगी? 2u upon b। अगर वेलोसिटी पूछता तो वेलोसिटी भी निकाल लेते, तो 2u upon b square है क्या कोई ऑप्शन? यस सर, सी वाली। सी ऑप्शन। सी वाला चेक करें क्या? सी ऑप्शन। सी है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में बदल, कोई दिक्कत? नो सर। चले आगे, आसान था बहुत। यस सर। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे वैसे ना है तो तुम्हारा नहीं, मतलब तुम्हारा तो है लेकिन ये अभी हम पढ़ते पूरा, जब हम एंगुलर मोशन और रोटेशन पढ़ता ना मैं उसमें बताता तुम्हें, पर तुम चाहो तो इसको कर सकते हो। वैसे एक चीज को दिमाग में रखते क्योंकि मैं इसको कई बार लॉज ऑफ मोशन से भी रिलेट कर सकते हैं, तो तुम आज कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी बस भाई, एक क्या बोल रहा है, वेटलेस थ्रेड कैन सपोर्ट अ टेंशन अप टू 30 न्यूटन। सपोज करो ये थ्रेड है ना, और इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रखा है या कोई स्टोन रखा है, दिख रहा है? ये स्टोन है कोई, दिख रहा है? Yes, जब ये थ्रेड से मैं स्टोन को बांधूंगा तो थ्रेड खींच जाएगा मेरा, जैसे स्प्रिंग खींचता है। Yes, है ना? Yes, भाई मेरा धागा खींच जाएगा नीचे ऊपर, ऐसे खींच जाएगा ना जब मैं किसी चीज से लटकाऊंगा इसको, तो सर इसके ऊपर टेंशन लगेगी। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं भारी चीज रख दूं तो टेंशन बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्योंकि और ज्यादा खींचेगा, है ना?
और भारी चीज रखूंगा तो टेंशन और भारी टूट जाएगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब भारी चीज रखूंगा तो टेंशन क्या हो जाएगी, मतलब ये थ्रेड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि ये मैक्सिमम कितनी टेंशन देख ले सकता है, 30 न्यूटन। कितनी टेंशन ले सकता है? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन समझ में आ रहा है? 30 न्यूटन के बाद अगर मैं 31, अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखूंगा जिसका वेट 32 है, 32 न्यूटन वेट है, वेट मास नहीं वेट, m into g उसकी 32 है, mg की वैल्यू 32, तो क्या ये टिक पाएगा? नो सर। क्योंकि मैक्सिमम कितना सर्वाइव कर सकता है? 30 न्यूटन। इसने बोला इट कैन सपोर्ट टेंशन 30 न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन तक ये मैक्सिमम टेंशन सर्वाइव कर सकता है। अब वो कह रहा है इसके साथ मैं मास डाल देता हूँ 0.5 kg का, सर 0.5 kg का मास डाल दिया मैंने। अब मैंने इसको किसने कहा इसको घुमा दिया वर्टिकल प्लेन, घुमा दिया, क्या कर दिया? घुमा दिया। तो सब देखो जो घुमा रहा है घुमा रहा है तो सर्कल में घूम रहा होगा। यस सर। कुछ ऐसे घूम रहा होगा सर्कल में। यस सर। यस सर। है ना, घूम रहा होगा सर। अब बताना है उसको कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तब होगी जब टेंशन भी क्या लगेगी, मैक्सिमम। तो याद रख लेना एक ही चीज मैं बता रहा हूँ, वो रोटेशनल में हम कर लेंगे जब हम एक्स्ट्रा क्लास में रोटेशनल चैप्टर करेंगे, कि टेंशन मैक्सिमम होती है जब यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन से में? जब आप ये कहाँ होगा अपने नीचे वाली डायरेक्शन में, कहाँ होगा? नीचे वाली साइड में। जब नीचे होगा तो समझो यहाँ पर इस पॉइंट पर है स्टोन मेरा, तो इस पर नीचे वाली फोर्स कौन सी लग रही होगी? एमजी। अब ऊपर कौन सी लग रही होती है अवे फ्रॉम द बॉडी? नॉर्मल। तो सरफेस के कॉन्टेक्ट में लगता है, यहाँ सरफेस है क्या? नो सर। तो स्प्रिंग से स्टोन को कौन बांधे हुए है ऊपर की तरफ? टेंशन। यानी टेंशन। यस सर। है ना, टेंशन बांधी हुआ है। और इसको घुमा कौन रहा है ऊपर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल, सेंटर सर्कल में कौन घुमा रहा है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सर्कल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका सेंटर यही हुआ ना? यस सर। मैं इसको हटा दूं तो मैं देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है, इस लाइन को हटा दो, ये इसका सेंटर है ना, बीच वाला पॉइंट। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है हमेशा? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी यहाँ लग रही होगी। तो बताना इस पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर, टेंशन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? ऊपर वाली फोर्सेस किसके इक्वल है नीचे वाले की? ऊपर कौन सी है? टेंशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स, नीचे कौन है? एमजी। टेंशन की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम? 30 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv square। v square क्या है सर? पता नहीं, निकालना है। r, m कितना है? r 0.5 into g, सीधा लिख दो 5। यस सर। m की वैल्यू 0.5 है यहाँ पर भी, तो सर r की वैल्यू भी कुछ गिवन है क्या? 2 meter। 0.5 v square upon meter। देखते रहना क्या आंसर आ भी रहा है या नहीं भी आ सकता, देखते हैं। मैंने क्यों बोला नहीं भी आ सकता, अभी रीजन है उसके लिए। 5 आ गया। यस सर। अब इसको सॉल्व करो, v square की वैल्यू बताओ बेटा। और ये भी बताऊंगा सर, नीचे वाले पे ही क्यों लिया, ऊपर वाले पे क्यों नहीं लिया, अभी बताऊंगा उसका। पहले ये सॉल्व करो। क्या है ना, 500 = 5v² v² = 100 आ रहा है क्या? v = 10 आ रहा है क्या? चेक करना, v 10 आ गया। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, सिर्फ वेलोसिटी चेक करते हैं।
माइनस भी होगा यहाँ पर, माइनस में होगा है ना? यस हो जाएगा, माइनस आएगा बिल्कुल, टेन आ रहा है ना लेकिन। Yes, sir. और माइनस क्यों आएगा पता होगा सबको, मैं मैग्नीट्यूड निकाला भाई जिसको माइनस का पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है वैसे तो, हम माइनस टर्न लेंगे क्योंकि जब इक्वेशन को सेटिस्फाई तभी होगा जब माइनस आएगा। सर वी की वैल्यू आ रही है माइनस टेन, लेकिन हमको तो निकालनी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन पता है किसी को, v इज इक्वल टू पढ़ा होगा ओमेगा और v के बीच में रिलेशन सर्कुलर मोशन में, v इक्वल टू r ओमेगा, वेरी गुड r ओमेगा, तो सर ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, v की वैल्यू तो भी निकाली है सर माइनस टेन, अभी बात करेंगे माइनस ले रहा हूँ प्लस ले रहा हूँ, प्लस भी हो सकती है लेकिन अभी बात करेंगे, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सबसे पहली बात क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पूछा हुआ है। आर की वैल्यू कितनी है, टू टू न्यूटन, हालांकि जब मैं नीचे वाले आर की बात कर रहा हूँ, अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस टू लिख सकते हो, ठीक है वो माइनस से माइनस कट भी जाएगा। ओमेगा निकालना है, ओमेगा की वैल्यू बताना कितनी आ रही है, फाइव, ऑप्शन आ रहा है क्या कोई, फाइव, यस सर, ऑप्शन ए, चेक कर लेते हैं सिक्स का, चेक करना मेरे में तो ए ही लिखा हुआ, मेरे को दिख नहीं रहा, तुम्हारे में चेक करो, ए ही लिखा हुआ क्या, आंसर की में चेक करो, ए ही है, ठीक है ओके, तो इसका हो गया फाइव रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना, एक कॉल, हाँ तो यहाँ पर समझ में आया आंसर तो आ रहा है फाइव, ठीक है इतना तो सबको समझ में आया, और ये कैसे किया ये भी समझ में आ रहा है सर, टेंशन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, एमजी, एमजी को, मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ यही लिखा टेंशन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एमजी, और इससे क्या निकाल दिया इस इक्वेशन से, वी, और वी इज इक्वल टू क्या लिख दिया आर, बट बात आती है सर आप ऊपर ले लेते, ऊपर क्यों नहीं लिया सिर्फ नीचे, ऐसा क्यों माना कि स्टोन मेरा कहाँ है, नीचे, नीचे क्यों बच्चे, अब इसके लिए थोड़ी सी चीज दिमाग में रख लेना, क्योंकि इसकी टेंशन मैक्सिमम कब होती है, जब ये कहाँ पर हो, नीचे, और इसमें पूछा भी क्या था, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी और मैक्सिमम टेंशन हम तभी यूज कर सकते थे जब मेरा स्टोन कहाँ हो, नीचे, नीचे की तरफ, सपोज करो मेरा स्टोन यहाँ होता उस केस में मेरी इक्वेशन अलग हो जाती बच्चे, उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगती और टेंशन भी यहाँ लगती, तो टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर mg यहाँ लगता, दिख रहा है ना, yes, sir. Yes, sir. अलग अलग केस है, लेकिन मेरे को अभी कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ ये करना है कि नीचे पे क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम, याद रखना जब वर्टिकल सर्कल में चल रहा है मेरा बॉडी, वर्टिकल सर्कल में तो जब चल रहा है तो नीचे वाले पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर टेंशन कैसी होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुमसे, टेंशन इज मैक्सिमम एट लोअर, कोई दिक्कत, नो सर, हालांकि इसको हम रोटेशनल में इसको पूरे डिटेल में करेंगे डिस्कस, लेकिन यहां तक मुझे ये बताओ कि इस अप्रोच में किसी को दिक्कत आई कि मैंने कैसे किया, मैंने फोर्सेस भी दिखाई सबको, टेंशन प्लस सेंट्रीपिटल एमजी को बैलेंस कर रहा है, डन, यस सर, हो जाएगा, जिसको कोई डाउट है वो पूछो, किसी ने क्वेश्चन पूछा भी है कुछ, मेरे पे बार बार मैसेज आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, किसी ने मैसेज भेजा तो बता दो मुझे, शो नहीं हुआ, किसी ने नहीं भेजा, नो सर, नो सर, ठीक है चले आगे, यस सर, यस सर, यस सर, फॉर अ सिंपल, देखो ये है ऐसे चमका लेकिन ये आसान है इसलिए मैंने ले लिया, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता क्या पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2 by under root of L by G. G. यही होता है ना, yes, कोई इसको y by a भी लिखता है, वो अलग अलग है, हम नॉर्मल वाला जो हमें पता है वो कर, ठीक है,
तो सर अब देखो टेंशन और एल में क्या है, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करूंगा दोनों साइड, स्क्वायर सर, टू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एल बाय जी सर, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी ए एक्स, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला, पैराबोला, तो ये कैसा आना चाहिए, पैराबोला, 19th का बी है, ठीक है समझ में आ रहा है, यस सर, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में कुछ भी, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि इसमें ऐसा चम का कंसेप्ट नहीं लग रहा, सिर्फ टाइम पीरियड का फॉर्मूले से इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन हम निकालनी सीख चुके हैं, राइट, यस सर, चले आगे, यस सर, ये क्वेश्चन है, अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, फाइंड वीओ, सॉरी वेयर वीओ इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड वीए इज द पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, पहले तो क्वेश्चन को समझो, VA माइनस VO निकालना है तुमको इस क्वेश्चन, ठीक है, और बता रखा है VO क्या है, बताओ VO क्या है, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर जो पोटेंशियल है, ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो, और VA क्या है, x इज इक्वल टू टू पर जो पोटेंशियल है, तो बस भाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच में जो हमने पढ़ा है, बताओ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक ही फॉर्मूला है पढ़ा है जो हमने, ग्रेडियंट वाला, E is equal to T V minus T R, वेरी गुड, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या था, E is equal to minus dv by dr, कोई दिक्कत, नो सर, सर ये पोटेंशियल, ये इसको क्या बोलता हूं मैं, इस टर्म को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना सर, पोटेंशियल निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल, तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी आर उधर ले जाऊं क्या, माइनस डीवी, अब ये डी डी हटाना पड़ेगा, छोटे छोटे हैं मेरे को तो बड़ा बड़ा चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर दू, इंटीग्रेशन कर दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े वाला इंटीग्रेशन नहीं, ई तो सर दे रखा है, ई की वैल्यू पुट करो 30 एक्स के आई क्या, डी आर लिख दू क्या, सीधा ही लिख दू, बताओ अब डी आर की जगह क्या लिख दू, डी एक्स लिख दू, क्योंकि एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना ये, अगर आर के साथ करता तो डी आर लिख देता, यहाँ पर क्या लिख दू, डी एक्स माइनस डीवी, डीवी लिख देते हैं, अब साथ में माइनस है ही, कहां से कहां तक लिमिट बताओ, एक्स की कहां से कहां तक जा रही है लिमिट, जीरो टू टू, क्योंकि ओरिजिन से 2 मीटर तक है, यहां पे 2 मीटर है, ओरिजिन पे बता रखा है, वी की कहां से कहां तक जा रही है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है वी की, वी नॉट, वी नॉट, ऐसे देख लिया करो, जीरो है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वी नॉट की वैल्यू वी नॉट, एक्स इज इक्वल टू टू पर वी नॉट की वी की वैल्यू क्या है, वी ऐसे लिमिट डाल दी सर, अब कर दो सोल्व, एक्स स्क्वायर का क्या, इसका 30 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा सर, वहां पे कर देते हैं, 30 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय टू, एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स क्यूब बाय थ्री लिमिट हो जाएगी सर जीरो से टू तक, ये 10 हो जाएगा क्या सीधा ही, यस सर, इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखू, माइनस ऑफ वी ए माइनस वी नॉट, कोई दिक्कत, नो सर, सर 10 एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करो 10 बाहर है, अपर लिमिट कैसे पुट करूंगा, एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, 8 माइनस 0, तो 2 का क्यूब यानी 8 और बाद में 0 is equal to minus VA minus V note, A note कैसी, V note की value क्या होएगी, बताएगा कोई, V note है potential at the origin, origin मतलब X is equal to zero, X is equal to zero पर E की value क्या हो जाएगी,
जीरो। तो पोटेंशियल की भी क्या होगी? जीरो। जीरो। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है चीजें, ठीक है? अभी के लिए हमारे आंसर के लिए चीजें जरूरी है। चलो करो, 80 इज इक्वल टू माइनस वी, वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस 80। माइनस 80 आ रहा है क्या ऑप्शन में? माइनस 80 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक करें। 22 का ए लिखा हुआ मेरे, तुम्हारे पे भी ए लिखा हुआ? यस सर। मेरे को मेरी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही होगा, मैंने क्वेश्चन पेपर से मतलब आंसर की मैंने नोट की ना जब, तो मैंने ऐसे लिख दिया फटाफट। कोई बात, ए ही आ रहा शायद, है ना? Yes, तो sir, देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर। हम कोशिश करेंगे कि अब एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ नीट क्लास की लेंगे 2-3 दिन, तो उसमें मैं ना तुम्हें फटाफट ये करवा रहा हूँ, आ जाना, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगा है तुम इसमें थोड़े से दिक्कत हो रही है तुम्हें, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आ जाना, अभी तो नहीं, मंडे से ही होगी एक्स्ट्रा क्लास, अब आज तो सैटरडे है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फटाफट बेसिक करेंगे, लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे अभी इसमें, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है हमारे पास, तो अभी कुछ दिन जेई वाले भी अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो उस टाइम तुम्हारा ये हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा था कि बेसिक वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और पूरा फिजिक्स इस पे घूम रही है, तो हम जो जो हमारे यूज के होंगे हम ये कर लेंगे। कोई है जिसको जो मतलब जो जिस करना चाहता है ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आ जाना एक्स्ट्रा क्लास में, मैं बता दूंगा तुम्हें कब होगी। वो संडे को नहीं होगी? संडे को कोई क्लास नहीं है, संडे को नहीं, मंडे को होगी, ठीक है? और उसमें सिर्फ नीट वाले ही होंगे, तुम्हारी होगी सिर्फ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इट्स एक्सियल लाइन? किसके लिए पूछी है पहले तो ये बताओ। एक्सियल लाइन, डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पर, तो डाइपोल बना दूं क्या पहले? यस सर। यस सर, बना दिया। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, ये वाली या ये वाली? सीधी वाली या वर्टिकल वाली? सीधी वाली। सीधी वाली। इसके लिए तो एक्सियल लाइन जो इसकी एक्सिस है, समझो, है ना? कुछ चीजों को समझो। एक्सिस, एक्सियल लाइन मतलब इसकी एक्सिस। अगर मेरा डाइपोल ऐसे पड़ा है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके लिए एक्सियल लाइन कौन सी होगी? ये वाली, यही वाली। यस सर। जिस एक्सिस पर मेरा डाइपोल पड़ा है, इसके लिए एक्सिस क्या हो जाएगी? ये वाली। यस सर। सर अब यहाँ पर P पॉइंट चाहिए, यहाँ रख लो, चाहिए P पॉइंट यहाँ रख लो। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन बताना क्या होती है? इस पॉइंट P पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड होगी, राइट या लेफ्ट? प्लस Q की वजह से राइट। राइट में। राइट, क्योंकि अपने से दूर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेगेटिव की वजह से क्या होगी? अट्रैक्ट इन द सेंस, ऐसे बोलो कि इसकी तरफ, है ना? यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आएगा बताओ? जीरो। नहीं 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 नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये चार्ज इसके ज्यादा पास में है, दोनों सेम फोर्स नहीं लगा रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, राइट आएगी या लेफ्ट? राइट। राइट। क्यों राइट क्यों बोल रहे हो, लेफ्ट क्यों नहीं बोल रहे? प्लस क्यू के ज्यादा पास है पॉइंट पी, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो प्लस क्यू की होगी ना? यस सर। चार्ज की वैल्यू तो दोनों में सेम है, जिसके ज्यादा पास होगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसके ज्यादा पास है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? राइट साइड वाली। राइट साइड वाली, तो यहाँ हो जाएगी इलेक्ट्रिक, कोई दिक्कत? नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन हो रही है यहाँ पर राइट साइड, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताना कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ होती है फिर? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अरे अरे अरे, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, डाइपोल मोमेंट की कहाँ होती है? नेगेटिव टू, याद रखना। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी साइड है? राइट साइड। साइड, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री, खत्म कहानी। अच्छा अब कोई कहते पी पॉइंट यहाँ हो तो डाइपोल मोमेंट की तो अभी भी
राइट साइड या नेगेटिव टू पॉजिटिव पी पॉइंट पे चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये कहाँ लगाना चाहेगा, माइनस क्यू वाला, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में, लेफ्ट में, मतलब इस साइड या इस साइड? माइनस क्यू अपनी तरफ खींचना चाहता है फील्ड लाइंस को या अपने से दूर? अपनी साइड, अपनी तरफ, अपनी साइड, मतलब कौन सी साइड, इस साइड या इस साइड? इस साइड जो आपने की, जो लगाया उसी साइड, अपनी साइड खींचेगा। यस सर, यस सर। पॉजिटिव क्यू कहाँ जाना चाहेगा, पीछे की साइड? यस सर, इस तरफ। तो नेट इन्फ्लुएंस किसका होगा, माइनस क्यू का या प्लस क्यू का? माइनस क्यू, माइनस क्यू का। क्यों? पास, क्योंकि उसके पास में। माइनस क्यू कहाँ लेके जा रहा है, कौन सी साइड? राइट हैंड साइड, राइट साइड। चाहे तुम पी पॉइंट यहाँ रखो चाहे पी पॉइंट यहाँ रखो, दोनों साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? राइट साइड। और डाइपोल मोमेंट की भी कैसी है? राइट, इसीलिए हमेशा एंगल कितना है? जीरो डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। कोई बोल दे सर पी पॉइंट यहाँ हो तो बीच में तो जीरो ही हो जाएगी, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन यहाँ हो तो भी राइट साइड होगी। देख लो, सोचो, कोशिश करो। दिमाग में रखना, अभी इसके एक्सियल लाइन पे पूछे, सेंटर में नहीं पूछे। लेकिन सेंटर पे अगर पूछ भी ले तो सेंटर वाले बीच वाली साइड तब क्या होगी, अगर पूछे कि यहाँ पर हो, ये माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है। सर यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, सर इसको ये कहाँ पे लेना चाहेगा सर, अपनी तरफ? यस सर। ये कहाँ रखना चाहेगा, अपने से दूर? यस सर। सर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रहा है? लेफ्ट साइड में। समझ में आ रही है? और yes, डाइपोल मोमेंट कहाँ है? राइट साइड, राइट साइड। अब एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। चलो चलें आगे। यस सर। व्हेन एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2 कूलम इज, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में ना आ रही हो ना तो एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया करो। मैं पूछता हूं अगर P पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो P पॉइंट पे कैसा चार्ज रख दो? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज, ये जो चार्ज जहां जाना चाहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव Q की जरूरत से ये चार्ज कहां जाना चाहेगा? राइट साइड में। राइट साइड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? राइट साइड। नेगेटिव Q की तरफ से ये चार्ज कहां जाना चाहेगा, उसकी तरफ? यस सर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसीलिए तो तुम रखते हो E is equal to F upon Q, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, स्मॉल से पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लग रही है वही किसकी बात करता है, इलेक्ट्रिक। इसीलिए तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, तुम्हें पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे पढ़े हैं, हम थोड़े से ही करते हैं। चलो ये तो तुम फटाफट कर सकते हो, पढ़ना इसमें क्या पूछ रखा है। इसने पूछा है कि बताओ कौन सी इक्वेशन ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस की कौन सी इक्वेशन बन सकती है, ये तो ताजा ताजा है। भाई तुम्हें पता है सिंपल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बताना। बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से आई है, डेल्टा एम की वजह से आई है ना। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बस उसको खोल दो, ये आंसर आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी को बी लिख दिया, डेल्टा एम को लिखना क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से क्या माइनस करता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस।
देखना कौन सा ऑप्शन बनता है, इन्होंने बता भी रखा है जेड प्रोटोन है एंड न्यूट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है जो जहां पे ये लिखा है। डी वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी या डी? डी। तुम देखो देखो यहाँ पर इस सब जगह पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साइड ले दो तो यहाँ पर ये जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस का मास यहाँ नेगेटिव में है, वहां जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ऐसे लिख दू क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस बी बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, किसके इक्वल है, न्यूक्लियस के मास के प्लस में बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर, यही तो है। ये न्यूक्लियस का है तो ये किसका है, जाके माइनस में नहीं होगा कहाँ पे जाके, बी अपॉन सी स्क्वायर। मैं न्यूक्लियस को वहां ले गया ना इसको, तो सर डी वाला B by C square तो वहीं पड़ा है जहां पहले था, मैं सिर्फ यहां पर न्यूक्लियस माइनस में था वहां जाके क्या कर गया प्लस में ले गया। यस सर, यस सर, मैं चेक कर लेता हूं अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो। मास ऑफ न्यूक्लियस है प्लस में B by C square है, मास ऑफ न्यूक्लियस है प्लस में B by C square है, ये किसके इक्वल है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो कहां दिक्कत आ रही है, चेक भी कर लेता हूं भाई। 41 का क्या ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है ऑप्शन? यस सर डी आ रहा है, चेक करो फिर क्या दिक्कत आ रही है अगर डी आ रहा है। सर ये बी वाई सी स्क्वायर सर पैरेलली तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो सर। ये जो बी वाई सी स्क्वायर जो ना ये मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह दूसरी तरफ होगा, इधर होगा। यस सर, पर जो ऑप्शन में है ना वहां पे सर ये आगे आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा, इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है सर ये माइनस बी बाई सी स्क्वायर यहाँ है। यस यस, ऐसा कह रहे हो? यस यस, फिर तो ऑप्शन डी होगा, हमारा आंसर सही है ना ये जो हमने निकाला है। यस सर, ये समझ में आ रहा है ना, बस ओरिएंटेशन में इन्होंने गलती कर रखी है, ये बी बाई सी स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए। यस सर, और यहाँ पर ये पॉजिटिव बी बाई सी स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए। ऐसे वो उसमें होता तो बी वाला ऑप्शन आना था। अगर वो हाँ तो बी वाला था। यस सर, अब डी वाला आ रहा है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये बी बाई सी स्क्वायर जब मैं माइनस यहाँ ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन डी आ रहा है, इसको हटा दो, ऐसे लिखा हो रहा है तो ऑप्शन आ रहा है डी। यस, कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर, नो सर, राइटिंग मिस्टेक है। तुम्हारे पास ऑप्शन भी ऐसे आए थे? यस सर, तो कंफ्यूज नहीं हो गया फिर? यस सर, है ना, तो ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी बाय सी स्क्वायर। तो अब तो समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अपने फॉर्मूले को खोल के लिखा है, ये तो आज ताजा ही कर रखा है हमने। चलो इसके बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यस सर, कोई दिक्कत, आज क्लास ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी, अगर कोई करना चाहे तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये करके देख लो फिर चलते हैं। आसान तो वैसे सारे ही हैं, ये तो मैंने करवाया भी हुआ है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोयल की वजह से मैंने साफ ग्राफ बनवाया था, ये किसी को याद हो तो। होलो है तो अंदर से क्या होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो जीरो, तो बताओ एक ही में हो रहा है अंदर जीरो, कौन से में हो रहा है? ऑप्शन आंसर ही आ गया। उसके बाद हो जाता था बी इज इक्वल टू म्यू नोट ऑफ आई अपॉन टू पाई आर, याद आ रहा है? यस सर, उसके बाद म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके बाद। ऑप्शन ए 28 का ही है क्या? ठीक है, यस सर, चलो ये फोर्स निकाल लिया, अब इसको कल कर लेंगे। वैसे कितने क्वेश्चन रह गए, दो ही रह गए, करके चले क्या? यस सर, कर लेते हैं। बताओ चलो कर लो। yes, सर, फोर्स एक वायर की वजह से लगती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, आई एल क्रॉस बी बी, यही होता था ना।
अभी इस पे फोर्स लगा कौन रहा, किसके ऊपर फोर्स लग रही है? पी क्यू के ऊपर। तो कौन लगा रहा होगा पी क्यू वायर पे फोर्स? कौन लगा रहा होगा? वाई एक्स। वाई एक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, लेकिन अब किसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम? पी क्यू पे फोर्स चेक कर रहा हूँ। तो अगर एफ फोर्स में एक्स वाई पे चेक कर रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेता? PQ. तो बस अब इसकी डायरेक्शन ही पूछी है सर। डायरेक्शन फोर्स की निकालने के लिए एल क्रॉस बी कर दो। सर मैग्नेटिक फील्ड किसका देखना है? एक्स वाई की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बताना कौन सी डायरेक्शन में आएगा? पी क्यू इनवर्ड आ रहा है सर। इनवर्ड इनवर्ड आ रहा है। यस सर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। सबको समझ में आ रही है कि भाई yes, थंब की डायरेक्शन एक्स वाई वाले की देखनी है ना? एक्स वाई पे करंट की डायरेक्शन पे थंब रखो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? पी क्यू में अंदर। इनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। एल बताओ इसका कैसे है, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है इसका पी क्यू का, कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी माइनस आई। यस सर। अब सिंपल ऐसा भी करके देख लो, अब एल क्रॉस बी करना है। पी क्यू की डायरेक्शन है एल, लेंथ बाकी सब किसका लूंगा? जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। करंट भी पी क्यू का, आई भी पी क्यू का, बताई हुई है ना ये चीज। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा? दूसरे का। मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा? एक्स वाई का। बाकी सब किसका? जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, राइट? तो करंट भी किसका लूंगा? पी क्यू का लूंगा। लेंथ भी किसकी लूंगा? पी क्यू की लूंगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा? एक्स वाई। अगर उल्टा पूछा होता फोर्स ऑन एक्स वाई तो करंट भी किसका लेता? बोलो। एक्स वाई। एक्स वाई का लेंथ भी किसकी लेता? एक्स वाई। लेकिन बी किसका लेता? पी क्यू का। क्यों? क्योंकि फोर्स तो वो लगा रहा है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड लूंगा। यहाँ पर देखो, एल की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पी क्यू की लेंथ है, कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो लेंथ भी लेफ्ट में। उस डायरेक्शन में तो रखो अपना पाम। रख दिया। सर अब जाना कहाँ है? सर क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो नहीं जा रही, तो बाहर जा रहा है, तो अपने काम ऐसे रख दूं? यस सर। अंदर की तरफ जाओ, थंब कहाँ जा रहा है बताओ? नीचे, डाउन। आ रहा है क्या सबका? डाउनवर्ड। यस सर। यस सर। और जिसको नहीं आ रहा तो वो ऐसे समझो, इस डायरेक्शन में करंट, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? एल की, माइनस आई। जिस डायरेक्शन में करंट है ना, माइनस आई। Yes. तो L की डायरेक्शन तो होगी माइनस आई। इसकी डायरेक्शन बताना इनवर्ड वाले की, माइनस के कैप। के कैप। तो अब बताओ कैसे करेंगे? एल क्रॉस बी करो भाई। आई जे के माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? आई कैप क्रॉस के कैप। उल्टा चलाऊं एक, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। माइनस जे कैप कहाँ होती है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे मतलब डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड ऐसे भी देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम थंब लगाना चाहो तो थंब। बस याद रखना एल क्रॉस बी, एल मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जाता है वहीं पर मैं लेंथ लेता हूँ, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए मैंने लेंथ एलिमेंट बोला था। याद आया? Yes, sir. हाँ, तो लेंथ कौन सी डायरेक्शन में लूंगा? इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है लेफ्ट में, तो क्योंकि करंट लेंथ पी क्यू की ले रहा हूँ तो करंट भी पी क्यू में देख रहा हूँ, तो लेफ्ट में। तो एल की डायरेक्शन तो हो गई लेफ्ट यानी माइनस आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता ही था कैसा था, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माइनस के कैप। इन दोनों को क्रॉस कर दिया, माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? माइनस के कैप। और वैसे भी देख लिया मैंने, एल बी की तरफ गया, नीचे की तरफ आ रहा मेरा, ठीक है। जिसको कोई डाउट है तो बताओ इसके अंदर। अच्छा बच्चे ये देखो, तुमने डी ब्रोगली का नाम सुना था? ये दो क्वेश्चन रह गए, अब हम कल ही करेंगे, ये करते रहो। डी ब्रोगली का नाम सुना था? यस सर। मैंने एक फॉर्मूला दिया था भाई, इसने जब फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है
मोमेंटम दे रखा है, तो एक फॉर्मूला होता था ना वेवलेंथ और मोमेंटम वाला, डी ब्रॉय ने जो दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू अपॉन एम एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, पी क्या होता है बच्चे, मोमेंटम, मोमेंटम, तो पुट कर दो पी की जगह क्या लिख दूं, मोमेंटम की जगह एम इनटू वी, वी, तो वी का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, स्पीड ही तो पूछिए इसमें, सी अपॉन लैम्डा, वी यहाँ से लगाओ, यहाँ से वी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एच अपॉन एम लैम्डा, एच अपॉन एम लैम्डा है क्या ऑप्शन, कुछ था ही, हो गया, यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन रह गया, ये एज अ होमवर्क लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, मैं हिंट तो इसका भी दे जाता हूँ। क्या बोल रहा है, व्हेन एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2 कूलम इज गिवन टू कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इट इज इंक्रीज्ड बाय 21%, फाइंड द ओरिजिनल चार्ज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लगेगा तुम्हें, ठीक है, तुमने मिर्ची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ी नहीं वैसे, है ना, नहीं पढ़ी थी ना, नो सर, मेरे आंसर पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खत्म हो गई थी तुम्हारी। तो देखो सिंपल सी बात है, तुमने फॉर्मूला पता होगा कैपेसिटेंस का, वो सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का, पढ़ा होगा ये तो, यस सर, हाफ क्या होता है, हाफ सीवी स्क्वायर, कोई भी बोल दो, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है। बट बच्चे यहाँ पर ना इसने पोटेंशियल की बात ही नहीं करी, नहीं करी ना, नो सर, किस चीज की बात कर रखी थी, चार्ज की और कैपेसिटर की बात करिए, तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को किसमें बदल दूंगा, चार्ज वाले फॉर्मूले, तो सर चार्ज में बदलने के लिए मेरे को इसको भी चार्ज में बदलना पड़ेगा, यस सर, या सीधा इसको ही बदल लेता हूँ, वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय वी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू, क्यू बाय सी, यही हो जाएगा, यस सर, पुट कर दो हाफ सी, वी की जगह क्या पुट कर दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये भी कैपेसिटेंस की एनर्जी का, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हो जाएगा ये, यस सर, तो सर अब मैं बात कर सकता हूँ, अब वो कह रहा है कि पहले जो चार्ज था उससे अब चार्ज को कितना बढ़ा दिया, 2 कूलम ज्यादा, तो पहले के लिए तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू ई, अब क्या बोल रहा है वो, चार्ज को तो बढ़ा दिया 2 कूलम, तो पहले क्यू स्क्वायर क्यू था, तो अब क्या हो जाएगा, क्यू 2c क्यू प्लस 2c, समझ में आ रहा है ना, चार्ज कूलम एडिशन कर दिया, ऐसे नहीं बोला 2 टाइम्स बढ़ाया, 2 टाइम्स होता है तो क्यू की जगह क्या लिख देता, 2q, लेकिन इसने बढ़ाया है, एडिशन किया है, तो क्या करूंगा, क्यू प्लस 2c, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्यू प्लस 2c का स्क्वायर हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट होता है, तो 2c इज इक्वल टू ई, क्या हो गया, 21%, तो ई प्लस क्या कर दो, 21% भी ई का ही है ना, किसका 21% बढ़ा है, 21% ऑफ ई, तो इसको कैसे लिखते हैं, तुम्हें बताया ही है पिछले क्वेश्चन में भी किया था तुमने, 21 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ई, तो कर दो इनको, इसको सोल्व करो पहले, तो क्या आएगा फटाफट, राइट हैंड साइड को सोल्व करो, लेफ्ट को बाद में सोल्व करो, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जो जाएगी क्यू प्लस 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c इज इक्वल टू कितना ई लिखूं, फटाफट बताओ, ये कितनी हो जाएगी, 0.21 ई प्लस ई कितना हो जाएगा, 1.2. मैं इसको ना कूलम को हटा देता हूँ, क्योंकि तुम इसको कैपेसिटेंस के साथ 2 कूलम है ना, इसको 2 ही लिखो, हाँ क्या आएगा बताओ भाई, इसको सॉल्व करोगे तो 0.21 ई नहीं आ जाएगा, Yes, तो E प्लस 0.21 कितना होता है, 1.21, कोई दिक्कत, ये सेकंड इक्वेशन, यस सर, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता क्या, 2c से 2c कट जाएगा, yes, E से E कट जाएगा, डिवाइड करो फटाफट करो, तो बताओ मुझे क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तुम्हें देखता भी हूं मैं, डिवाइड कैसे करोगे तुम,
यहाँ से ये हटा रहा हूँ ताकि हमारे को स्पेस मिले। डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस टू का स्क्वायर, ई से तो ई कट ही गया तो क्या रह गया वन अपॉन में वन पॉइंट टू वन। बताओ सॉल्व करो, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करोगे इसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? बोलो 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 बोलो। अरे चुप क्यों, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बोलो फिर चले। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, और उसमें फिर रूट्स निकालोगे। इससे अच्छा इसको ऐसे लिखो, क्यू प्लस क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस सर, इज इक्वल टू वन अपॉन वन पॉइंट टू वन। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो ये लिख दूं क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस टू इज इक्वल टू वन अपॉन 1.21, 121 किसका रूट होता है, 11 का, 11 तो 1.1 लिख दो सीधा। यस सर, तो सर 1.1q इज इक्वल टू q प्लस 2। अब बताओ q की वैल्यू, बताओ क्यू की वैल्यू, लिखते रहो पेपर पे, लिखो कुछ तो आंसर आएगा ना। 1.1q इज इक्वल टू क्यू प्लस टू, क्यू की वैल्यू निकालनी है बस भाई। 1.1q इज इक्वल टू एक क्यू प्लस टू, तो क्यू कितना आएगा, 20। सिंपल सी बात है, तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं 1.1q माइनस क्यू इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत? नो सर, ये क्यू मतलब 1q ही रहता है, तो 1.1q में से 1q गया तो कितना रह जाएगा, 0.1q इज इक्वल टू 2, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 2 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 यानी कितना हो जाएगा, 20। यस सर, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर, नो सर, पक्का हो जाएगा? यस सर, यस सर, देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे। मैंने सिर्फ इक्वेशन जो की है, मैंने क्यू को क्यू वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज की, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में कुछ दे नहीं रखा था मेरे को, मेरे को किसके बारे में दे रखा था सब कुछ, चार्ज के बारे में, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को किसमें बदल दिया, चार्ज वाली इक्वेशन। तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं, तो सी तो दोनों केस में क्या है, सेम है, बस क्यू की जगह क्या लिख दिया, क्यू प्लस टू, और ई की जगह लिख दिया 1.21 ई, क्यों, क्योंकि ये 21% बढ़ गई, तो 21/100 इंटू ई, ये वैल्यू मेरी ई में एड हो जाएगी, समझ में आ रहा है? यस सर, 21% का मतलब यही होता है कि 100 में से कितने होते हैं, तो 100 में से कितने हुए 21, तो इसलिए 1 में कितना हुआ 21/100, इसलिए 21/100 लिखते हैं 21%, तो 21% ऑफ E क्या हो गया 21/100 इनटू E, समझ आता है ना? यस यस सर। चलो डन, सारे क्वेश्चन ही हो गए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ये वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं मैंने सिर्फ जो हम सिलेबस कर चुके हैं उस क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से जो आए हैं वो हैं। अभी तो मैंने बहुत सारा ड्यूअल नेचर में से भी आए हुए थे क्वेश्चन, मैंने ड्यूअल नेचर का नहीं उठाया, ठीक है, वो हम इसके बाद करेंगे, तो तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। तो अभी तक के सिलेबस में हमारे देख लो 20-21 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर मैं ड्यूअल नेचर के काउंट कर लूँ तो, और तुमको चाहिए कितने, कम से कम 30-35 करने के लिए, बहुत अच्छा सा रैंक लाने के लिए फिजिक्स के लिए, इतना ही चाहिए। Yes, मैं जनरल में बात कर रहा हूँ, है ना, तो देख लो, तो ये जो हमने पढ़ा है अभी उस पर भी अगर फोकस करो तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं हमारे,
कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुमने जिसके बारे में ना पढ़ा हो अभी तक? कुछ भी क्वेश्चन नहीं निकल रहे वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा हो मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये चीज तो सबको आती थी, सबने अपने आप ही सोल्व किया ये क्वेश्चन। यस सर ये क्वेश्चन मैंने बताया है क्योंकि ये अभी तुमने पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन भी अपने आप सोल्व किया है ना, और ये वाला देखते ही बता दिया सबने। यस सर ये वाले में देखो, ये वाला आज करा है हमने, ये वाला देखो, इसमें किसी को दिक्कत हुई कोई? नो सर। डाइपोल मोमेंट हमने इसको मैग्नेटिक डाइपोल से समझा था अच्छे से, और सर ये वाला सिखाया मैंने, कौन सा वाला था? हाँ, इसमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन हम करेंगे अभी, कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये वाला छोड़ देते हैं अभी के लिए, ये वाला देखो, इसमें तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल लिखा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आंसर आ गया, और ये तो तुमने अपने आप ही करा है। ये वाला में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। प्रोजेक्टाइल पे ध्यान रखना आप कि सर प्रोजेक्टाइल की कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब प्रोजेक्टाइल को पाथ मतलब फेंक रहा हूँ किसी बॉल को, प्रोजेक्टाइल के पाथ में जा रही है वो, तो बताओ कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इनिशियली भी और फाइनली? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है जो उस पर एक्ट करेगी, और मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। क्या टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती है? नो सर, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। डन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे मंडे को, और मंडे तक हम अभी तक जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करना, ये जो हो गए हैं एक बार पहले इनको देखना, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाना, पहले ये वाले करने जरूरी है क्योंकि ये सिलेबस में हो चुके हैं हमारे। ठीक है, यस सर। बाकी के क्वेश्चन मैं टाइम टू टाइम तुम्हें कराता रहूंगा इसी के, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे उसको भी। डन। ओके, किसी का और कोई डाउट है तो बताओ, वरना क्लास एंड करें। अब क्लास लगेगी मंडे को, कल क्लास पर संडे के तौर पे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। हाँ बोलो सर, जो रेडियो एक्टिव डीके वाला नहीं किया हमने, जो आपने फॉर्मूला बताया n is equal to n not वाला, उसकी डेरिवेशन करवा दो। n is equal to n not वाला t half की डेरिवेशन पूछ रहे हो क्या? नो सर, जो अच्छा वो इक्वेशन कैसे आई? यस सर। चलो अब ऐसा करेंगे, जब मैं तुम्हें न्यूक्लियस हाइपोथेसिस कराऊंगा ना, यस सर,